हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है मैं अवनीश चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास और काफ़ी दिन की छुट्टी हो गई है आपकी उसके लिए माफ़ी चाहता हूं और ठीक है अभी आपकी जो क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी थोड़ा सा मेरा बताइए आप सभी कुछ बच्चों को पता है कि एक्सीडेंट हो गया था तो उसकी वजह से मैं क्लास ले पाया था तो अब थोड़ा सही है क्लास ले सकते हैं तो अभी क्लास थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और मतलब एन एस ही लग गई थी वोट अब अब ठीक है अब ऑल एंड वेल और क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी थोड़ा सा टाइमिंग में थोड़ा चेंज हो सकता है कि क्लास आपकी आठ बजे जाए हाँ पी एस पी सी एल जो एग्ज़ाम था वही एग्जाम वाला प्रिपेयर कराऊंगा मैं आज काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको आज क्लास के अंदर ठीक है तो सभी को कं क्लास को कंटिन्यू करना है और दूसरा ये है कि साथ में एक सीरीज भी स्टार्ट की है वो सूरभ सर ने स्टार्ट की है वो आपको क्लास देंगे जिसमें अभी बहुत से बच्चों को ये लग रहा है कि सर प्री करें या मेन्स करें और उनको दिमाग में उनका समय नहीं आ रहा है ठीक है तो उसने क्या किया है कि मेंस के लिए आपकी एक नई क्लास स्टार्ट रहेगी जैसे मेरी जो क्लास रहेगी वो आठ बजे से रहेगी और उसके बाद नाइन थर्टी या फिर टेन पी से टेन पी के आसपास क्योंकि नाइन थर्टी तक रहेगी तो दस पी तक आपकी पास क्या रहेगी मेन्स की क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी यूट्यूब पे ठीक है उसमें क्या होंगे उसमें काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको जिससे कि जिससे कि क्या करें जिससे कि अब आप अच्छे से उसको कंटिन्यू कर सके इसमें क्या होगा बेसिकली आपके पास जो ऑल कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर किया जाएगा और दूसरा यहाँ पे थोड़ा बहुत थ्योरी वाला जो पार्ट है उसको कवर किया जाएगा ठीक है फुल तो यहाँ पे कवर नहीं हो पाएगा जितना थोड़ा सा करवा पाएंगे उतना हो जाएगा यदि आपको फुल करना है तो उसके लिए कोर्स बनाए हुए हैं उनको आप परचेज कर सकते हैं ओके कोई बात नहीं चेंज कर देंगे भाटिया जी आपने मैसेज भी किया था मुझे कोई बात नहीं हाँ ये YouTube पे चलेगा कल से है ये ठीक है कल से है आज नहीं है कल से एक स्टार्ट होगा दस बजे आपको YouTube पे काफी अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं ठीक है चलिए अब हाँ और बताइए क्या बोल रहे हैं सर मैंने राजस्थान जी थ्योरी कोर्स परचेज किया बट लेक्चर पर अभी भी लोक लग रहा है प्लीज से बताइए ठीक है मीना जी मैं बात करता हूँ एक बार ठीक है फिर हम बात करेंगे अभी मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ फिर आगे की बात करेंगे ठीक है पहले मैं क्वेश्चन करवा देता हूं चलिए क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ गया है जरा ध्यान से देखेंगे एंड गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, नहीं आंसर की कब आएगी आंसर की अभी एक दो दिन में आ जाएगी या तो फर्स्ट uh, वीक में आएगी या सेकेंड वीक में आएगी ओके ओके ए के क्वेश्चन फोर डबल लाइन वाला लेना है लेकिन बता नहीं रहे हैं मुझे लेना है तो आप जाके ले सकते हैं हाँ आठ बजे क्लास होगी आठ बजे मेरा क्या हुआ था मैं नैन एस ट्वेंटी फोर पर जा रहा था बच्चा कोई आगे से आ गया सामने से और गाड़ी चढ़ गई है डिवाइडर पर ही तो उसकी वजह से थोड़ा सा पैर में चोट थी इसलिए मैं आपका नहीं आ पाया था ठीक है होली की भी इस बार ऐसी गई है इसलिए मैं नहीं आ पाया था लेकिन अभी क्लास कंटिन्यू करेंगे थोड़ा प्लास्टर था कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगी भगवान की दुआ से आप सबकी दुआ से बच गया बट क्या हुआ कि कुछ देर हो गई हम आ नहीं पाए नहीं तो क्लासेस एक दो दिन पहले स्टार्ट हो जाती और अभी थोड़ा सा दर्द है बस खड़े रह सकते हैं कोई बात नहीं पर आ, क्या है मैं भी आपको मिस कर रहा था आप सभी मिस कर रहे होंगे कि सर क्या है क्या नहीं है <laughs> मतलब बोर हो गया था काफ़ी मतलब एक दिन पड़े पड़े रहो बस बोर हो गया था अब ठीक है अब अब सब बढ़िया से करेंगे और कंटिन्यू रहेंगी क्लासेस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है जो आप देंगे कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई, बात नहीं, कोई ये सब चलता रहता है देखो बच गए ना उस वाले रोड पर कोई बस्ता नहीं है पर मैं बच गया तो आपकी दुआ थी सब चलिए आंसर तो यहां आंसर क्या इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए व्हाट आंसर हो दिस क्वेश्चन देखो ए हेड ऑफ वाटर ओवर ए रेक्टेंगुलर नॉच इज नाइन हंड्रेड एम एम द डिस्चार्ज इज थ्री हंड्रेड लीटर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द नॉच व्हेन द कॉफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज और रेक्टेंगुलर की जब बात की जाएगी तो क्यों डिस्चार्ज का फॉर्मला आपको पता होना चाहिए टू बाई थ्री सी डी रूट टू जी इंटू एल एच की पावर थ्री बाय टू ये फॉर्मूला आपको यूज करना है जब भी आपको रेक्टेंगुलर वियर की बात की जाए यदि आपको सिप्लोटी वियर की बात की जाए तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दिस कॉन्सेप्ट एंड दिस फॉर्मुला इस पर काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं ओके okay, चल हाँ मीना जी मैं बात करता हूं आपकी एक बार आप मुझे आईडी दे देना मैं बात कर लेंगे ओके अब देखो जरा डिस्चार्ज आपको दे रखा है तो कितने दे रखा है डिस्चार्ज आपको 300 लीटर दे रखा है तो दैट इज जीरो पॉइंट थ्री डबल जीरो मीटर क्यू परसेंट मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको दूसरा टू बाई थ्री सी की वैल्यू कितनी दे रखी है जीरो पॉइंट सिक्स टू ओके आप देखो क्या है कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो बड़े पास पास दिए हुए हैं सेवेंटी नाइनटी टू हंड्रेड लेकिन यदि मैं इसके अंदर नाइन पॉइंट एट वन रखूंगा तो मेरी जो कैलकुलेशन होगी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा टू इन टू टेन कर लेता हूं इसको जी को मैं टेन लिख देता हूँ ठीक है फॉर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड एल मुझे निकालना है और एच की वैल्यू क्या है मेरे पास एच कितना है मेरे पास नाइन हंड्रेड एम एम मेरे पास क्या है हेड है तो जीरो पॉइंट नाइन की पावर थ्री बाय टू अब कैसे सोल्व करूं इस वाले क्वेश्चन को विदाउट कैलकुलेटर कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं देखो ऐसे करेंगे मैं इसको को ले जाऊं बात समझ में आ रही होगी कि यदि मैं जीरो पॉइंट थ्री जीरो कर रहा हूं और जीरो पॉइंट सिक्स टू कर रहा हूं तो इससे तो कट जाना है अब बचेगा क्या आपके एक जीरो बचेगी फालतू ओके साथ में यदि मेरे से कुछ कट जा रहा है तो उसको मैं काट दूंगा और पॉइंट नाइन ये यहाँ पे है ही तो पॉइंट नाइन को क्या लिख सकता हूँ मैं पॉइंट नाइन की पावर थ्री बाई टू है तो इसको पॉइंट नाइन की पावर थ्री बाई टू को हम क्या ऐसे लिख सकते पॉइंट नाइन डिवाइड बाई टेन की पावर थ्री बाई टू और यदि मैं इसको लिखूँ तो वन अपॉन रूट टू टेर मैंने बाहर ले लिया ये मेरा क्या हो गया दिस इज इक्वल्स टू थ्री का स्क्वायर इंटू थ्री बाई टू तो इससे तो कट गया अब क्या बचा मेरे पास तीन तिया नौ तिया सत्ताईस बच गया ट्वेंटी सेवन बाई टेन बचा तो टू पॉइंट सेवन के करीब बचा ये टू पॉइंट सेवन की वैल्यू होती है यदि मैं रूट थ्री की वैल्यू लू तो वन पॉइंट सेवन थ्री रूट फाइव की वैल्यू लू तो मेरे पास टू पॉइंट सेवन के करीब आएगा ये मेरे पास नाइन है तो यदि मैं इसको डिवाइड दूंगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी वन नाइनटी के अबाव अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वन नाइनटी के अबाव एक्सप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी उसके बाद इसका आंसर कौन सा है सी है एंड सी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है तो जब भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए बिना कैलकुलशन आपको करने पड़े तो देखो ऐसे क्वेश्चन को बाद के रखो ये क्या होते हैं ये बाद वाले क्वेश्चन होते हैं बाद वाले ठीक है सबसे बाद में करने स्टार्टिंग में देखो क्या हो गया पहला क्वेश्चन ही आपको ये दे दिया जिससे क्या हो कि आपके पांच से दस मिनट इस क्वेश्चन में खराब हो जाए और आप क्या हो फिर बाद में बच जाए आपके पास प्रेशर तो इन क्वेश्चन को बाद में करना है क्योंकि इनको ही हम क्या बोलते हैं इन्हीं को हम वैदिक मैथ बोलते हैं कि मैंने कैसे रूट टू जी को रूट ट्वेंटी लिख दिया टू पॉइंट सेवन को रूट फाइव लिख दिया तो ऐसे मैं कर सकता हूं ठीक है फॉर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसा कर सकता हूं आंसर आंसरेगा सी एंड सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके तो ऐसे क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में आ सकते हैं अब एक नई टेक्निक लिया है हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टीफाई द टाइप ऑफ स्टेयर गिवन फिगर इनमें से कौन सा जो स्टेयर आपको दिया हुआ है वो कैसे करेंगे जल्दी करेंगे ठीक है क्विकली करेंगे नहीं तो क्वेश्चन कम हो पाएंगे अच्छे क्वेश्चन है काफी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज की क्लास के अंदर आपको देखो क्वेश्चन में आपका मिला हुआ द टाइप ऑफ स्टेयर्स इन गिवन फिगर इनमें से कौन सा जो टाइप ऑफ स्टेयर आपको दिखाओ दिखाई टाइप ऑफ स्टेयर ये कौन सा टाइप का है क्या ये आपका क्वार्टर टर्न है क्या ये आपका ओपन वेल है ओपन न्यूवल बोलते हैं इसको ओपन न्यूवल स्पायरल स्टेयर्स है या फिर आपकाल हेलीक्वार स्टेयर्स है क्या इसका जल्दी बोले क्विकली मैं नाम लूंगा जो बच्चे जवाब देंगे देखो जब भी मैं आपके पास स्टेयर्स की बात करूंगा तो इनमें से जो ऑप्शन वाला है वो सी और डी रहेगा क्योंकि तो ये जो ऐसे स्टेयर है ठीक है ये आपकी ऐसी, है।, ये आपकी ऐसी है तो हो सकता है कि वो आपका स्पायरल हो या फिर आपका हेलिकल हो अब देखो यहां पर जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ये पार्ट क्या है ये खाली पार्ट है अब यदि आपका स्टेयर ऐसा होता ऐसा होता तो इसको क्या बोलते हैं इसको हम स्पायरल बोलते हैं इसमें इसी खासियत क्या होती है इसी खासियत ये होती है कि इसमें बीच में कोलम होता है क्या होता है कोलम होता है अब ये जो तो जगह है ये खाली पड़ी है मतलब क्या है ये स्टेयर्स आपका ऐसा है ऐसा स्टेयर्स है और क्या है इसमें इसमें आपका बीच वाला जो कोलम है वो नहीं है तो मतलब क्या है पूरी पूरी जो स्टेयर्स है वो आपके कोलम पर नहीं टिकी हुई है नहीं टिकी हुई है तो दैट इज मीन्स कि ये वाला आपका पार्ट नहीं है तो ये खाली पार्ट है तो आंसर क्या रहेगा आंसर रहेगा इसका हैलीकोडल स्टेयर्स जब भी आपका बीच वाला पार्ट इसमें ना हो मतलब क्या है कोलम पे सस्टेंड ना हो ठीक है क्या हो कोलम पे सस्टेंड ना हो तो सभी कट गया आज तो ऐसे कटेंगे तो आप सभी को क्या करना है आप सभी को अपने मार्क्स को बचाना है जिससे कि आपके मार्क्स बच जाए तो ध्यान से पढ़ना है कि यदि आपका ये भरा हुआ पार्ट होता तो दैट मीन्स ये आपके कोलम पे सबस्टेंड है नहीं है तो आपका हेलीक्डल होगा तो आंसर क्या रहेगा डी एंड डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे चलिए नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया जवाब दीजिए सर सिन्स का बैच लेट क्यों कर रहे हैं देखो अभी अभी उसकी डेट नहीं आई है ठीक है वैसे यदि मैं आपके पिछले पेपर के हिसाब से देखूं तो यदि आपका अक्टूबर में प्री हुआ था तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में आपका मेंस हुआ है पांच महीने बाद तो यदि आपके मार्च अभी हुआ है तो मई तक की डेट आ चुकी है मई तक में आपका कोई भी मेंस नहीं है तो मेंस आपका के आपका मई जून जुलाई के आसपास होगा तो इसलिए थोड़ा सा लेट कर रहे हैं हम इसलिए भरावा कैसे दिखाई दे वो भरोसा दिखाई देगा यदि ये वाला सिर्फ आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है दैट इज ओनली ये पार्ट ठीक है ये पार्ट दिखाई दे रहा है ओके यदि आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है या फिर आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है ओनली दिस पार्ट तो क्या बोलेंगे उसको उसको बोलेंगे स्पाइरल वाला पार्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आगे जवाब दीजिए क्विकली क्या आंसर ओके क्वेश्चन में आपसे बोला गया द ओवर ओवरबर्डन प्रेशर टू विच बीन सब्जेक्टेड एंड अंडर विच द गेट कंसोलिडेटेड इज नॉन एज पोस्ट कंसोलिडेशन प्रेशर अंडर कंसोलिडेशन प्रेशर ओवर कंसोलिडेशन एंड प्री कंसोलिडेशन आंसर बोलेंगे आंसर इसका देखो जब भी आपकी बात की जाए कि कोई एक टेम्परेरी ओवरबर्डन प्रेशर है और वो आपका क्या है वजह से सोइल आपकी सब्जेक्टेड हो रही है तो देखो ये जो ग्राफ है ना ये ग्राफ आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कैसे देखो ये जो आपके पास स्ट्रेस होती है इसको हम बोलते हैं प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस ये प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस वो होती है कि आपकी क्या होगी कि आपकी क्या है कि आपकी जो सोइल है वो कितना स्ट्रेस को झेल के आया है

ठीक है ऐसा समझ सकते हैं आप कि मान लो आपने पेपर की लेवल की तैयारी हमसे की है अब आप एग्जाम आपका आसान आ गया तो दैट इज ओवर कंसोलिडेशन हार्ड आ गया दैट इज नॉर्मल कंसोलिडेशन ऐसा आप बोल सकते हैं चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बोलिए एज पर द आई एस टू सेवन टू जीरो द वेट ऑफ द रैमर इन मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में जो आपके पास वेट ऑफ द हैमर होता है वो कितना होता है हाँ मैं वो बात सही है आपकी कि प्री का एग्ज़ाम आपका दिसंबर में था लेकिन कोई डेट नहीं आई है ना पूरे कैलेंडर में डेट ही दे रखी है मई तक तो जून में ही एग्ज़ाम करवाएंगे बढ़िया है जी बढ़िया है गजब एकदम सब बढ़िया है बस पैर की वोट लग गई है और कुछ नहीं है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जवाब देंगे वॉट इज़ का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बोलिए सभी को जवाब देना है सभी मेरे मित्रों को तुम सबने मुझे मिस नहीं करा एक बार भी मुझे मैसेज नहीं करा जो जानते थे उन्होंने तो मैसेज किया पर जो नहीं जानते थे उन्होंने किसी ने मैसेज नहीं किया सब निकम्मे हो भाई दोस्त दोस्त ना रहा छात्र छात्र ना रहे ऐसा बोल सकते हैं क्या चलिए कोई बात नहीं अब हम बात करेंगे देखो यदि मैं आपके पास बात करूं कि द वेट ऑफ द रैमर इन द मॉडिफाइड दो तरह के टेस्ट होते हैं एक को हम बोलते हैं मॉडिफाइड टेस्ट एक को बोलते हैं मॉडिफाइड टेस्ट ठीक है टेस्ट. इसके अंदर यदि मैं बात करूं तो 2.6 पॉइंट हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड में इसमें यूज करते हैं फोर पॉइंट ठीक है ये आपका बारह इंच और ये आपका अट्ठारह इंच ठीक है जिसको हम बोल देते हैं कितना होगा ये अट्ठारह इंच कितना होता है एक इंच में ये सब बेवफा है बेवफा तो है भाई ये सब अब क्या कर सकते हैं इनको चलो तो कितना हो जाएगा ये मेरे पास ये हो जाएगी ये हो जाएगा मेरे पास फोर फिफ्टी सेवन एम एम का और ये हो जाएगा मेरे पास तीन सौ पांच एमएम का ये बात आप ध्यान रखेंगे इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो यदि मैं बात करूं आपके मॉडिफाइड की तो आंसर हो जाएगा ए एंड ए एस कांसर फॉर दिस क्वेश्चन आई बात समझ सभी को तो कोई भी पूछे आपसे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे करिए चलो ऑर्डर इंटेंसिटी की बात की जा रही है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं फिर मैं बता देता हूं ऑर्डर इंटेंसिटी होती क्या है ठीक है ऑर्डर इंटेंसिटी पे क्वेश्चन दे रखा है फिर भी ये टॉपिक भी इसमें आया है पंजाब में हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आ जाए इज वस मीन द पीओ ऑर्डर इंटेंसिटी वैल्यू इज फाइव देखो क्या होता है अब हम बोलते हैं यदि मैं आपके वाटर कंटेंट की बात करूं यदि मैं आपके वाटर कंटेंट की बात करूँ तो उसमें एक ऑर्डर इंटेंसिटी होती है कि भाई कितना ऑर्डर है कितना डायल्यूशंस हुआ है आपके वाटर कंटेंट में उसकी वैल्यू को मेजर किया जाता है अब क्या होता है कि इसमें जो आपके पास ऑर्डर इंटेंसिटी है वो आपकी जीरो से लेके सिक्स तक वैरी करती है ठीक है क्या होता है जीरो से लेके सिक्स तक वैरी करती है यदि आपकी इंटेंसिटी ऑर्डर इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो है दैट मीन्स उसके अंदर कोई भी ऑर्डर प्रेजेंट नहीं है ओके okay, क्या है कब उसमें कोई भी ऑर्डर प्रसेंट नहीं है आपके पास सिक्स वैल्यू है तो दिस इज नॉट यूजफुल तो क्या होगा कि ये इस यदि आपके पास ऐसा रहेगा तो ये आपके टोलरेबल नहीं है इसमें हम कोई भी टोलरेट नहीं कर सकते ठीक है यदि मैं बात करूंगा आपकी पांच के इसके आसपास आएगा तो पांच क्या रहेगा पांच आपके पास वेरी स्ट्रांग होती है दिस इज वेरी स्ट्रांग तो वेरी स्ट्रांग का ऑप्शन एक ही है दैट इज अ स्ट्रॉग इंटेंसिटी इन द ऑर्डर तो ऑर्डर इंटेंसिटी वैसे हम क्या होते हैं वाटर कंटेंट के लिए क्या लेते हैं भाई वन टू थ्री ले लेते हैं वन टू थ्री ले लेते हैं ठीक है लेकिन क्या होता है यदि मैं ऑर्डर इंटेंसिटी वैल्यू पे काम करूंगा तो ये वैल्यू आपकी जीरो से सिक्स तक वैरी करती है और पांच पे आपकी वैरी स्ट्रॉन्ग और इंटेंस ऑर्डर होती है कि पानी के अंदर ऑर्डर रहेगा वैसे पानी के अंदर ऑर्डर आती कहां से है बताइए जरा एक बार ठीक है टिंटो से इसको मेजर करते हैं पर ऑर्डर आती कहां से है? जरा बताइए कोई स्टूडेंट तो ए इज कैंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट करिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन आ गया जवाब दीजिए एक्सट्रीम नहीं हो सकता बोलिए गैसेस कौन सी गैसेस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ऑर्गेनिक मैटर से आती है सर ऑर्गेनिक मैटर से ऑर्डर आती है हाँ जी बोल दो ना जरा चलो ए फ्लूड इन विच शियर स्ट्रेस इज मोर देन द इल्ड वैल्यू एंड शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शीयर स्ट्रेन बोल रहे हैं आपसे स्ट्रेस आपकी मोर है उसकी इल्ड वैल्यू देखो क्या होता है दो तरह के फ्लूड होते हैं एक कौन बोलते हैं न्यूटोनियम एक कौन बोलते हैं नॉन न्यूटोनियम फ्लूड अब देखो क्या होगा हाँ आइडल प्लास्टिक होता है अब देखो क्या होगा इस वाले केस में यदि मैं टाव की वैल्यू की बात करूंगा तो म्यू डी यू बाई डी वाई ये आपका फॉर्मुला होता है डी यू बाई डी वाई अब ये क्या होता है ये फॉर्मूला आपका न्यूटोनियम फ्लू पे करता है दैट मीन कि जो आपका सीएस स्ट्रेस है वो चेंज इन सी एस के बराबर होगा लेकिन यदि आपकी जो स्ट्रेस है वो चेंज इन सी एस के बराबर होगा तो दैट इज नॉन न्यूटोनियम फ्लूड अब ये जो कंडीशन आती है ये आपके आइडियल प्लास्टिक में कंडीशन आती है इसमें टाव इक्वल्स टू ए डी यू बाई डी वाई की पावर एन प्लस के बी हो जाता है दैट मीन्स यदि टाव की वैल्यू जीरो भी रही तब भी आपका कुछ ना कुछ भी रहेगा तो दैट इज शीयर स्ट्रेस हमेशा आपकी ज्यादा वैरी करेगी तो इसलिए आप बोलते हैं इसको इसको इसलिए हम आइडियल प्लास्टिक फ्लूड बोलते हैं एंड सी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि शीयर स्ट्रेस आपका मोर रहेगा उसकी एल्ड वैल्यू से दैट इज द आइडियल प्लास्टिक ठीक है इसका दूसरा नाम क्या होता है वैसे दूसरा नाम क्या था इसका दूसरा नाम बताइए एक बार क्वेश्चन आंसर को कोर्स लाइए हो सके तो प्लीज ठीक है ठीक है शर्मा जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आगे जवाब दीजिए द कॉमन मेथड यूज फॉर द डी आर बोलिए हाँ, बिंगम प्लास्टिक बिल्कुल सही बात वही होता है सिंगम बिंगम आइडल बिंगम सही बात है चलो द कॉमन मैथड यूज फॉर द डिसलिनेशन आर डिस्टिलेशन ऑस्मोसिस एंड इलेक्ट्रोडायसिस बोलिए आंसर क्या इसका देखो जब भी क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि डी सैलिनेशन का मतलब क्या होता है तो पहले समझ लो कि डी का मतलब यह होता है कि आपके वॉटर में से सोल्ट और मिनरल्स को अलग अलग करना किसको सोल्ट और मिनरल्स को अलग अलग करना तो डिस्टिलेशन से क्या होगा पहले सोल्ट को अलग किया जाएगा फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे इसके अंदर हमें इसके अंदर आ, रिवर्स ऑस्मोसिस को कन्वर्ट करना पड़ेगा जैसे आप घर में जो आरओ का पानी पीते हैं उस आर के पानी के अंदर मिनरल्स नहीं होते हैं क्योंकि तो मिनरल्स सारे बाहर निकल चुके होते हैं तो रिवर ऑस्मोसिस को हमें मिनरल्स अलग हो जाएंगे एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होगा कि वो आपके पास जो आ, पार्टिकल्स है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे अणु होंगे जो छोटे छोटे उनके अंदर कोई भी फ्री रेडिकल चार्जेस ना रह जाए उसके करेंगे उसके लिए हमें इलेक्ट्रोडायलिसिस करना पड़ता है तो क्या रहेगा आंसर रहेगा ऑस्मोसिस एंड डी फॉर बनाते हैं, हमें. बोलते हैं कि आपको प्योर मिलेगा पर ये मिनरल्स वाला पानी नहीं होता है ये सब पागल बनाते हैं हमें हाँ तो पागल नहीं बनना है द फॉर्मुला फॉर द मॉडुलर रेशियो एमिना रेनफोर्स कॉन्केट ये भी क्वेश्चन आया जल्दी बताओ क्विकली जल्दी क्वेश्चन आपसे बोला गया द फॉर्मला मोडल रेशियो एम इन रेनफोर्स कॉन्क्रीट वेयर सिग्मा सी बी आपको दिया हुआ bending, BC, है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट बैंडिंग एम इक्वल टू टू एग्मा बी बहुत पापास हो गए हैं फिर भी आप करो टू एट्टी बाय थ्री सिग्मा बीसी बोलिए आंसर क्या होगा सबका आंसर आना चाहिए सभी जो स्टूडेंट देख रहे हैं ध्यान रखें इस बात को जब भी मैं आपके पास मोडल रेशियो की बात करूंगा तो मेरे पास रहेगा मोडल रेशियो वैसे स्मॉल एम होता है तो टू एट्टी बाय थ्री सिग्मा सी बी सी ठीक है ये क्या होता है ये आपके पास मोडलर रेशो होता है और ये जो सिग्मा सीबीसी सी है ये आपका क्या है कंप्रेशन की वैल्यू है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ द दैंडिंग कंप्रेशन जब आपका बैंडिंग लगा हो आपकी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर पे तब आपके पास स्ट्रेस क्या है ठीक तो है तो आंसर क्या रहेगा आंसर रहेगा इसके पास बी एंड बी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बी आपका करेक्ट आंसर है चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसे करिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया जवाब दीजिए गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग हाँ एम ट्वेंटी के लिए थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री वाह भाई वाह भाटिया जी कुछ करके मानेंगे इस बार चलो द फ्लेक्जुबल स्ट्रेंथ ऑफ एम ट्वेंटी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पर दई एस टू थाउजेंड देखो जब भी आपकी फ्लेक्जुबल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो एफ सी आर क्या होती है जीरो पॉइंट सेवन रूट एफ सी के होती है ठीक है अब जीरो पॉइंट सेवन और रूट एफ सी के वैल्यू क्या है ट्वेंटी है अब देखो बहुत से बच्चे क्या होते हैं कन्फ्यूज आते हैं कि आंसर ये होगा या ये होगा अब जरा एक बात देखो यदि आपका यहाँ पे सिक्सटीन होता

सर हाँ मेंस की जो क्लासेस हैं वो अभी रेगुलरली आपकी यूट्यूब पे भी छोटे थो, छोटे थो, 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 थोड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ओके okay, फिर आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी मेन्स की ओके okay, तो आप रवि जी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सब चीज़ आपकी काम हो जाएगा सर आप अभी कैसे हो सर मैं अभी आया हूँ कोई बात नहीं आप ठीक हो ठीक हो सर में आप कैसे करेंगे तो कभी भी डरना नहीं है कि कैलकुलेशन दे दी क्या करूँ अब मैं रोने बैठे हैं वहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे आराम से हो जाएगा क्वेश्चन ठीक है कालो भैया है तुम्हारे फिर क्या दिक्कत है तुमको चलो अभी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं ऐसे ऐसे भी अभी छाप देते हैं ऐसे क्वेश्चन हाँ ठीक है ठीक चलिए ए ओवन ड्राइड सो ए मास ऑफ दो सो ग्राम इज प्लेस्ड इन ए इज कंप्लीटली फिल्ड विद वॉटर टोटल मास ऑफ द विद ऑफी विदल इन साइड इज सिक्स जीरो ग्राम द पाइकनोमीटर फिल्ड विद वॉटर हैज अ मास वन फोर एट जीरो ग्राम कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ओके okay. चलो आंसर क्या इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए बोलिए देखो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है यह तो फॉर्मूला होता, होता है अब ड्राई सैंपल तो आपको दिया हुआ दैट मीन डब्ल्यू टू माइनस के डब्ल्यू वन ये आपको दिया हुआ है दूसरा हम बात करें इस क्वेश्चन में कि और मेंस के भी बुक बता दो अरे आप पढ़ लो यार देखो ये तो पढ़ लो मीना जी फिर आप मतलब कहाँ बात करते रहते हो इधर की हैं पढ़ने वढ़ने आते नहीं हो आप सब जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसको तो आप कंसंट्रेट करते नहीं हैं इधर उधर की बात करते रहते हैं बताओ मुझे अच्छा लगेगा सुन के आपको ये बताओ आप सब ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगेगा यार हैं बोलो जो जल्दी अच्छा लगेगा ऐसा नहीं लगेगा ना अच्छा तो प्लीज़ आप पढ़ लीजिए अब अब देखो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ डब्लू फोर माइनस के डब्लू वन और माइनस के डब्लू थ्री माइनस के डब्लू टू ठीक है तो यदि मैं आपके यहाँ पे बात करूं तो मेरे पास क्या होती है मेरे पास यहां पे चार बोतल होती हैं चार बोतल रोज का ठीक है ये वोड का नहीं है देखो डब्ल्यू वन की बात करूं W2 टू की बात करूं W3 थ्री की बात करूं W4 फोर की बात करूं खाली बोतल कुछ नहीं ठीक है डब्ल्यू वन वेट है दूसरा ड्राई सोइल इसमें लगती है डब्लू टू वेट उसका है ठीक, W3 में क्या किया ड्राई स्वेल तो रखी हुई है साथ में ऊपर हमने आज ब्लू है पानी पानी भर दिया इसमें ब्लू पानी भर दिया अब क्या किया, इसमें से मिट्टी बाहर निकाली सारा पानी पानी भर दिया इसके अंदर तो W2 टू माइनस के W1 से क्या आ जाएगा वेट ऑफ सॉलिड आ जाएगा बचा हुआ क्या है बचा हुआ मुझे वो वॉल्यूम ऑफ सोयल सैंपल चाहिए जो इतने सोयल के मास को या इतने पानी के मास को ऑक्यूपाइड करेगा या इतना सोयल का जो मास है वो कितने पानी ऑक्यूपाइड कर रहा है वो मुझे निकालना पड़ेगा यहां पे ठीक है तो यदि मैं उसको निकालूंगा तो मैं सीधा ही ऐसा कर सकता हूं कि भाई मेरे पास जो वैल्यूज हैं उनको मैं यूज करूं तो 200 तो मेरे पास है ही डब्ल्यू एस मैच के डब्ल्यू टू मैस डब्ल्यू वन चौदह मेरे पास कौन सा वो है तो 1480 फोर एट जीरो इज अ पार्लमेट फिल विदर अलोन ये वाला पानी है इसमें मैंने क्या किया ड्राई सोयल को एड कर दिया ठीक है तो इसमें क्या हुआ मेरे पास जो पाइकनोमीटर था वो उसका वेट और साथ में मिट्टी का वेट हो गया इसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया उसमें से मैंने जो मेरे पास पाइकनोमीटर था उसमें जो पानी भरा हुआ था उसको माइनस कर दिया तो सोलह माइनस कर दिया तो उससे क्या हुआ कि इनमें से इसको माइनस करके मेरे पास वो सोइल बची जो इस वाले पार्ट में फिल हुई थी और यहां से वैल्यू आ जाएगी ऐसे कर सकते हैं आप तो आंसर पॉइंट इसका 2.67 वैसे आप सबको बताना चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ़ द क्या होती है टू के करीब होती है एंड डी इस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है डी आपका कट आंसर रहेगा फिफ्टी एमएल का होता है बोतल बिल्कुल सही बात है पचास एमएल में क्या हो रहा है आजकल है चलिए ये सोच रहे क्या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट करिए <coughs>

मैं बात करूंगा कि क्यू इक वस्तू में बात करूं तो क्यू इक वस्तू क्या होता है सी डी ठीक है या सी मान लेते हैं या मैं आपके पास चेजी कॉन्स्टेंट की बात करूंगा तो सी ए रूट आर इन टू एस हो जाएगा अब आपसे बोला गया है कि मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल है वो भी रेक्टेंगुलर चैनल है तो रेक्टेंगुलर चैनल में यदि मेरा मोस्ट इकोनॉमिकल रहेगा तो वाई की वैल्यू क्या रहेगी बी बाई टू रहेगी अब क्या मुझे बी दे रखा है चार मीटर दे रखा है तो क्या हो जाएगा चार बाइट दो ये मेरे पास दो मीटर हो गया ठीक है और आर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा मेरे पास वाई बाई टू तो मतलब दैट इज वन मीटर ये तो है मोस्ट मोस्टमल चैनल की बात ओके अब हम बात करेंगे कि यदि मैं आपके पास क्यू की बात करूं तो सी की वैल्यू क्या दी हुई पचास दी हुई है ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बी इंटू वाई हो जाएगी तो बी कितना मेरे पास बी है मेरे पास चार इंटू दो रूट आर आर की वैल्यू क्या है वन और स्लोप कितना मेरे पास पंद्रह सो बताइए आंसर क्या आ रहा है इसका करिए जरा इसको सोल्व अच्छा एस एस सी जेम में आया था हाँ वही तो बोल रहा हूं मैं आपका बोलिए तो आंसर क्या आएगा टेन पॉइंट थ्री टू देखो यदि मैं रूट पंद्रह सौ की बात करूं तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं फिफ्टी इंटू फोर इंटू टू और टेन और ये रूट पंद्रह हो गया रूट पंद्रह तो हो गया ये अब ये तो इससे कट गया अब पांच चौक बीस और बीस दुनी कितना हो गया चालीस हो गया अब रूट पंद्रह को यदि मैं करूंगा तो सोलह तो चार के करीब आएगा यदि मैं इसको 16 कर लेता हूं तो 4 आएगा ठीक है बस 16 से कम है तो वैल्यू 10 पॉइंट के कुछ आसपास आएगी एंड सी इसका आंसर फोर्थ दिस क्वेश्चन देखो ये चीज कोई नहीं सिखाएगा आपको ऐसी कैलकुलेशन करनी आपको कोई नहीं सिखाएगा कि कैसे हम आपका अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं देखो रूट फिफ्टीन था तो मैंने रूट सिक्सटीन मान लिया मैंने बड़ी वैल्यू रखी बड़ी वैल्यू रखी तो आंसर कम आ रहा होगा कम आ रहा होगा तो दैट मीनस चार चार गया और दस आ गया होगा अब वैल्यू सोलह ये क्या है पंद्रह है तो ऊपर जाके वैल्यू क्या आएगी ज्यादा आएगी ज्यादा आएगी तो टेन पॉइंट थ्री टू आंसर तो सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बाद समय में सभी को चलते हैं नेक्स्ट पे फिर आइए समय में सभी को वाह वाह कर देंगे फिर जिस समय में आ गई है तो आपको चलें क्या आगे चलते हैं आगे फिर करिए जरा नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन में आपसे बोला गया है

अब मुझे आपका विस्कोसिटी दी हुई है दैट इज जीरो पॉइंट जीरो थ्री फाइव ठीक है ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में दिया हुआ है ओके तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं मैं क्या करूंगा इसको मैंने इसको टाइम के फोर कर लिया अब मेरे पास ये पॉइंट फाइव पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट फाइव पॉइंज अब पॉइज क्या होता है डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है अब ये डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट रहेगी तो आपको पता है कि जो टेन पॉइज होते हैं जो आपके दस पॉइज होते हैं वो क्या होते हैं वो आपकी वन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होते हैं तो वन पॉइंस क्या हो जाएगा दिस इज पॉइंट वन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर अब इसमें वैल्यू पुट कर दो तो जीरो पॉइंट वन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर अपॉन रो अब यहां से रो निकाल लो जरा तो रो निकालो जरा कितनी आ रही है रो यहां से तो कितना हो गया ये पंद्रह इसका दुगना दुगना कितना हो गया पैतीस और जीरो भाई तीन जीरो थी दो जीरो कट गए इसकी खत्म पांच सात और सात दुनी चौदह तो फोर्टीन वन फोर थ्री जीरो न्यूटन पर मीटर क्यूब यह आएगा या मास बोल सकते हैं किलोग्राम बोल सकते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो आंसर क्या होगा वन पॉइंट फोर थ्री का आंसर आएगा ठीक है तो क्या आएगा फोर्टीन पॉइंट टू के करीब आएगा दैट इज 1.43 एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है तो अच्छे क्वेश्चन है काफी ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं सर पढ़ाई ढीली हो गई है कोई बात नहीं कंटिन्यू रखिए पढ़ाई देखो एक हार से कोई बेकार नहीं हो जाता और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं हो जाता तो आप अपनी मेहनत करिए ठीक है आप अपनी मेहनत करिए और अच्छे से करिए ठीक है और बिल्कुल भी अपने आपको डीमोटिवेट मत करिए बस बढ़ते रहिए आगे सर एक टाइम आपके पास ऐसा आएगा कि आपको लगने लगेगा कि हाँ मेरा नंबर अपने आप आएगा फिर आप सब एग्जाम निकालोगे एक निकलते ही सब निकलेंगे मैं बोल रहा हूं आपको इस बात का लोग विश्वास नहीं करते हैं इस बात पे, पर यह सच है एक निकलते ही सब निकलेंगे चलो क्वेश्चन में आपसे बोला गया इन थियोडोलाइट वर्क एरर इन कम अंडर। मतलब क्या है मैन्यूपलेशन का एरर है अब क्या होते हैं लोग मैन्यूपलेट करते हैं बातों को जैसे मैंने बोला कि मैंने किसी के सर के बारे में बोला कि वो मेरी कॉपी करता है आपने उसका नाम बता दिया कि वो कॉपी करता है तो मतलब क्या हुआ कि लोग मैन्यूप्लेट कर देते हैं अभी यदि आपके पास क्या रहेगा मैन्यूपलेन का एरर रहेगा तो ये क्या होते हैं ये आपके पर्सनल एरर में आते हैं ठीक है नेचुरल एरर या फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर कभी भी आपके मैन्यूप्लेट एरर नहीं होते हैं ये आपके सिस्टमेटिक एरर हो सकते हैं रेंडम एरर हो सकते हैं लेकिन क्या होंगे पर्सनल एरर वो होते हैं कि केयरलेसनेस रही ठीक है आपने अच्छे से रीडिंग नहीं ली रात आप सो के नहीं आए सुबह रीडिंग ले ली आपने तीन कहा था उसने आपने एट लिख लिया उसको तो क्या होते हैं ये सब क्या होगी मैन्यूपलेन के एरर होते हैं एंड डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है चलते हैं नेक्स्ट पे चलिए देखो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि दैट इज अ क्वेश्चन क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि पेंट विच आर हाईली रिफ्लेक्टिव अप्लाइड ओवर द रेडिएटर्स क्या होते हैं इनमें से कौन सा पेंट है जो जिसमें रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है मतलब क्या है यदि सन रेज आई तो उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है ठीक है आप मुझे आप भी मैसेज करिए इंस्टाग्राम पे अवनीश शर्मा जीरो नाइन क्लास के बाद बात करूंगा आपसे ठीक है टेंशन मत मतलब लो यार कालू भैया साधु तुम्हारे बस पढ़ाई करो यार डीमोटिवेट नहीं होना लाइफ में यार तुम में मैं मैं इसलिए थोड़ी खड़ा हूँ यहाँ पे पैर में चोट लगी हुई है दर्द हो रहा है फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है इसको जुनून बोलते हैं यदि ये जुनून आपके लिए पढ़ने के लिए है ना तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं ज़िंदगी में ठीक है तो हमसे सीखो और और बहुत सारे लोग हैं उनसे सीखो ठीक है जैसे जितने सर हैं अब अब क्या है कि उन्होंने संघर्ष किया तो उनका नंबर आया अच्छे से देख रहे हो तो वो क्या फीलिंग होती है सर से बात हुई थी तो मतलब क्या है बहुत सारा टाइम लगा उनको लेकिन वो हार नहीं माने लोग टूट जाते हैं पर वो हार नहीं माने और अपनी अपनी, अपनी अपना जो भी करना था जिंदगी में कराया उनका सिलेक्शन हो गया उनका एम में अभी असिस्टेंट इंजीनियर का तो मतलब काफी उनसे सीखने को मिलता है कि लगे रहो चलो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि पेंट विच आर हाईली रिफ्लेक्टिव अप्लाइड ओवर द रेडिएटर्स आर द सेलोलोस पेंट एसबेस्टस पेंट एलुमिनियम पेंट एंड द ब्रॉन्ज पेंट देखो जो ब्रोन्स पेंट होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है अब आप बोलोगे सर ये एलुमिनियम पेंट कहां पर यूज किया जाएगा तो हम ध्यान रखेंगे जो मेरे पास ये एल्यूमिनियम पेंट है इट इज यूजफुल फॉर द कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए मतलब क्या है एक तो इसका जो वेट होता है वो काफी कम होता है आपको पता है एलुमिनियम की जो शीट होती है वो काफी कम होती है इसलिए हम एल्यूमिनियम को यूज करते हैं किसके लिए प्लेन बनाने के लिए एलुमिनियम की शीट यूज होती है दूसरा कोरोजन रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है किसका एलुमिनियम का इसलिए हम एलुमिनियम पेंट को वहां पर यूज करते हैं लेकिन ब्रॉन्ज पेंट का अंदर सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी होगी एंड डी इसका सैलवेस पेंट कहां का यूज करते हैं जो गाड़ियों पर आप पेंट करते हैं

नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया जवाब दीजिए क्विकली ए ब्लाइट इज कोड इम्प्योर सीथरियस प्योर सी टूस प्योर सीथरियस इम्प्योर अब क्या है अब ये तकड़ा क्वेश्चन बन गया है कैसे अब हम पढ़ते हैं कि अलाइट ब्लाइट स्लाइट नॉट नॉट ब्लाइट बट फ्लाइट अब क्या है कि ये नहीं पता रहा है कि यहाँ पे जो मेरे पास ब्लाइट है ये प्योर फॉर्म में होते हैं या इम्प्योर फॉर्म में होते हैं तो क्वेश्चन के लिए वाह वाह बोलेंगे एक बार क्वेश्चन काफी अच्छा है ये देखो यदि मैं आपके पास बात करूं तो एलाइट होता है एक एलाइट फिर आपका होता है ब्लाइट फिर आपका होता है स्लाइट और होता है, नहीं है फ्लाइट होता है ठीक है तो ये क्या हो गया दिस इज सी थ्री एस दिस इज सी टू एस दिस इज सी थ्री ए दिस इज सी फोर ए एफ तो बात समझ में आ गई सर ये सी टू एस होने वाला है बट क्या होता है कि ये जो डाई कैल्शियम सिलिकेट होते हैं ठीक है ये क्या होते हैं ये आपका इम्प्योर फॉर्म में होते हैं क्यों इम्प्योर फॉर्म में होते हैं यदि ये प्योर फॉर्म में, में होता तो सिर्फ सी टू एस बनता नहीं, क्या होता है बॉक्स कंपाउंड के अंदर ये आपके कंपोनेंट से मिलके बना होता है इसके अंदर सिलिकेट भी है इसके अंदर क्या है एलुमिना फॉर्मेशन भी होते हैं इसके अंदर क्या है सोडियम भी है इसके अंदर क्या है पोटेशियम भी है एल्कली एग्रीगेट भी है ठीक है थीके? तो सब क्या होते हैं इम्प्योर फॉर्म में होते हैं ठीक है तो ये बात ध्यान रखेंगे कि इसलिए हम क्या बोलेंगे इम्प्योर डाइकैल्शियम सिलिकेट इसको बोला जाता है यदि प्योर फॉर्म में होता तो एक ही बनता अब सब कम बन रहे बोक्स बॉक्स कंपाउंड के अंदर तो दैट इज इम्प्योर फॉर्म तो डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं आपके एग्जाम में आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए सर क्वेश्चन आंसर कोई कोर्स लाइए हो सकता है प्लीज एस जी ट्वेंटी के लिए ताकि प्रैक्टिस कर सके यहाँ तो प्रैक्टिस कर रहे हो यार अभी और भी बता देंगे कोर्स आपका लॉन्च होगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्विकली करेंगे क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द कॉन्स्टेंट ऑफ पेंट यूज टू हाइड द सर्फेस इम्परफेक्शन एंड टू इंपार्ट द डिजायर्ड कलर बोलिए देखो क्या होता है कि देखो यदि क्वेश्चन में सिर्फ ये होता यदि ये इम्पार्ट द डिजायर्ड कलर नहीं होता तो क्वेश्चन बन जाता टफ अब क्या है अब तो क्वेश्चन आसान है भाई अब कलर की बात कर दी कलर तो मतलब पिगमेंट है आंसर हो जाएगा बी बल्ले बल्ले ठीक है तो ध्यान रखेंगे जो पिगमेंट होते हैं उनका मेन काम कलर को डिजायर करना नहीं होता है मेन काम उनका क्या होता है कि सरफेस में कुछ भी इम है उसको भी हाइड कर देते हैं देखो क्या होता है मैं आपको एक अंतिका बताता हूं जब भी आप कोई घर बना रहे हैं और आपको वो घर बनाना है या बेचना है ठीक है मान लो क्या है कि आप बिल्डर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आप चाह रहे हो कि आप घर को बेच दें तो क्या करें उनकी घर की दीवारों के अंदर वाइट पेंट करो व्हाइट पेंट से क्या होते हैं व्हाइट पेंट से घर बड़े बड़े दिखते हैं जैसे आप इस पर और कलर कर दोगे कोई तो घर के जो रूम होते हैं छोटे दिखते हैं समझ रहे हो तो कलर कितना फर्क पड़ता है तो उससे क्या होता है जो देखने आएगा उसको लगेगा कि कमरे कितने बड़े बड़े हैं तो व्हाइट यदि पेंट हो रहा है घर में तो दैट मीन्स कमरे काफी बड़े बड़े लगते हैं देखने में समझ रहे हो मेरी बात तो ये अंदर की बातें हैं इनको आप इंप्लीमेंट करना कभी चलो चलते नेक्स्ट पे इसे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आगे जवाब दीजिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया इफ द टेंजेंट लेंथ तो सिंपल कर्व इज ट्वेल्व मीटर एंड द चेन इज चेन एज लिखा हुआ है ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज थ्री सिक्सटी मीटर चेन एज ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कर्व क्या रहेगा ओके okay, तो ध्यान रखें इस बात को यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है बट लोगों को दिख रहा होगा कि भाई कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है पर कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में फट्टू क्वेश्चन है अब देखो मैं बात करूंगा एक कर्व की तो दैट इज पॉइंट ऑफ कर्व और ये क्या मेरे पास ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये मुझे यहां से तो यहां तक दिया हुआ है बारह मीटर ठीक है और ये दिया हुआ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू दी हुई तीन सौ अब मुझसे पूछा गया जो पॉइंट ऑफ कर्व स्टार्ट रहेगा उसकी वैल्यू कितनी है तो भैया इसमें से माइनस कर दो ये वैल्यू बाहू भैया की बात है तो सौ आठ में से बारह में आन सौ अड़तालीस मीटर ये उत्तर है ऐसे क्वेश्चन पूछ लो तो भैया हम इनको घुमा घुमा के मारेंगे ठीक है थ्री फोर्टी एट मीटर एंड ए का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चले आगे सब ने मार दिया इसको चलो बढ़िया है भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो हम इनको घुमा घुमा के मारेंगे चलिए क्वेश्चन ट्वेंटी करेंगे जल्दी बोल गया आपसे द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नॉन एज टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाया जा रहा है तो क्या बोलेंगे उसको देखो टेलीस्कोप को दो तरह से घुमा सकते हैं मान लो ये आपका टेलीस्कोप है हाँ सब कराऊंगा सब करूंगा रुचिका जी सारे जो आपके पास पे पेपर हैं सब कराए जाएंगे आप टेंशन मत लो एक होता है टेलीस्कोप को ऐसे घुमाना ठीक है कैसे इस या तो मैं टेलीस्कोप को ऐसे घुमाऊं तो क्या बोलेंगे उसको ये कौन से प्लेन में घूम रहा है तो दैट इज इन हॉरिजेंटल प्लेन में घूम रहा है और वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है एक होता है मेरे टेलीस्कोप को ऐसे घुमाना दिस इज ऐसे घुमाना क्या बोलेंगे उसको वर्टिकल प्लेन और हॉरिजेंटल एक्सेस के अबाउट घुमाना दैट इज स्विंग द टेलीस्कोप तो सी इज कैंसर फॉर दिस क्वेश्चन प्लंजिंग ट्रांजिटिंग नॉर्मल सबका मतलब एक है दैट इज क्या है वर्टिकल प्लेन और हॉरिजेंटल एक्सेस तो आंसर क्या है सी एंड सी इज कैंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे बिना किसी देरी के चलिए ओके आप कोई गाने सुन रहे हैं घर में हमारे बताओ अब कॉपीराइट क्लेम आएगा यूट्यूब पे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आगे जवाब दीजिए ए क्लासफ ऑफ द हाइड्रोलिक टर्बाइन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी एट द इनलेट इनक्लूड्स चलो आंसर बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का जल्दी जल्दी क्विकली क्वेश्चन में आपसे बोला गया है

कि जो मेरे डिस्चार्ज जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है उस पर काम करूं यदि मैं यदि मैं आपके डायरेक्शन ऑफ फ्लो पे काम करूं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो किधर हो रहा है तो उसके लिए क्या होते हैं उसके लिए आपके डिफरेंट टाइप के टर्बाइन के नाम आपने सुने होंगे जैसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल बोल देते हैं कि टेंजेंशियल फ्लो हो रहा है तो डायरेक्श में डिपेंड कर रहा है रेडियल हो रहा है तो सब क्या होते हैं ये सब आपके डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं आ रही बात समय सभी को या फिर आपके एक्सियल हो गया एक्जियल हो गया या मिक्सड हो गया एक्जल हो गया मिक्सड हो गया ठीक है तो ये सब क्या होते हैं ये सब डायरेक्शन ऑफ फ्लो पे डिपेंड करते हैं तो आंसर क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा इसका रिएक्शन टर्बाइन क्योंकि एनर्ज पर डिपेंड कर रहा है एंड ए इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे इसे चलिए अब ये क्वेश्चन आपका एस एस सी में आया था इस बार कि जो आपका स्प्रिट वार्निश है वो किस किस से मिलकर बना होता है ये क्वेश्चन आया था अब यह क्वेश्चन यहां पर भी दिया हुआ था आपका काफी अच्छा पेपर बनाया वैसे इन्होंने ये तो माननी पड़ेगी ठीक है चलिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द वॉर्निश दैट आर मिथाइलिट स्प्रिट एंड वॉइन सॉफ्ट रेजिन सच एज अक शैलिक और डिजॉल्ड इज नॉन एज तो क्या होते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको बोलिए बोलिए तो आंसर करेगा इसका ध्यान रखें इस बात को यदि मैं आपके पास वॉर्निश की बात करूंगा तो वॉर्निश में यदि आपका वॉर्निश वॉन से मिलके बना है ठीक है लैक और शैलिक से मिलकर बना हुआ है तो वो आपका स्प्रिट वॉर्निश होगा यदि ऑयल से मिलकर बना हुआ है नैप्ता से मिलकर बना हुआ है तो कौन सा रहेगा वो आपका ऑयल वॉर्निश रहेगा वॉटर वार्निश क्या होता है वॉटर को एड कर दिया आपने ठीक है वॉटर को एड किया तो वॉटर वॉर्निश बनेगा ट्रपनटाइन वॉर्निश क्या होते हैं ट्रपनटाइन वार्निश वो होते हैं जिसमें आपके पास क्या होगा ड्रायर आपने यूज किया वो वार्डिश जो बहुत जल्दी ड्राई होते हैं बट ये क्या होते हैं ये ड्यूरेबल नहीं होते हैं दिस इज नॉट ड्यूरेबल चीप होते हैं यदि यदि आपकी बात करूं कि ये आपके ऑयल वॉर्निश से सस्ते आते हैं लेकिन ड्राई जल्दी करते हैं क्योंकि क्या होंगे ये एज अ थिनर थिनर यूज किए जाते हैं लेकिन इनकी जो तो ड्यूरेबिलिटी होती है वो काफी कम होती है ऑयल वार्निश से ओके तो एग्जाम क्या है इसका क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आंसर रहेगा इसका स्प्रिट वार्निश ए इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलते हैं आगे चलिए अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उड़ाई उड़ा दीजिए इन भैया को उड़ा दीजिए जल्दी से हाँ यूपी यूपी पी अब मैं सारे एग्जाम के पिप करवाऊंगा जो अभी आ रहे हैं एग्जाम आपके ठीक है अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं सबके क्वेश्चन पेपर कराने हैं मुझे ठीक है बस आप साथ देना है बोलिए एज पर दाइव सी टू थाउजल सेफ्टी फैक्टर फॉर द कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट के लिए पार्सल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू हमेशा ज्यादा रखी जाती है आपके स्टील से क्योंकि ये बिना बताए फेल होता है बिना बताए जबकि स्टील क्या होती है स्टाइल में डक्टाइल फेल होता है तो बता देता है वो इसलिए स्टील की बात की जाएगी तो आपका 1.15 रहेगा कॉन्क्रीट की बात की जाएगी तो 1.5 रहेगा ये आपका एल एस एम में दिस इज एल एस एम आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा डी एंड डी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे इसे करिए ऐसे क्वेश्चन तो भैया देखते उड़ा देने हैं इनको सोचना नहीं है देखते ही कि भैया क्या दे हैं ये वो क्वेश्चन है जो कोई गलत कर, करके नहीं आएगा क्वेश्चन में आपसे बोला गया है dry density. Dry density की बात करूंगा, तो इक्वल्स टू जी एस गामा डब्ल्यू अपॉन के ई तो फॉर्मुला है तो डी का फॉर्मुला क्या होता है ई e होता है ठीक तो है तो आंसर क्या रहेगा सी एंड सी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मेरे को सोचना ही नहीं है चलते नेक्स्ट पे इसे करिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आगे जवाब देंगे दर्मानेट एडजस्टमेंट द बोथ प्रिस्मेटिकट एडजस्टमेंट दोनों का सेम होता है वो सेम वैल्यू कौन सी है आपके फोकस इन दिज्मिंग सेंटरिंग एडजस्टमेंट लेवल के लिए बोले आंसर क्या हुआ इसका जल्दी तो देखो मैं बात करूँ आपके परमानेंट एडजस्टमेंट की तो एडजस्टमेंट कौन से होते हैं यदि मैं प्रिस्मेटिक की बात करूँ सभी तो इसमें प्रिज्म होता है इसमें प्रिज्म नहीं होता है तो ये तो आपका कट गया ये जो लेवलिंग और सेंटर लिखे हुए हैं ये आपके टेम्पररी एडजस्टमेंट होते हैं दिस इज टेम्पररी एडजस्टमेंट ठीक है अब हम बात करेंगे आपके पास जो आपका ये फोकसिंग ऑफ लेवल है या एडजस्टमेंट ऑफ लेवल है इसको क्या बोलेंगे इसको हम परमानेंट एडजस्टमेंट में बात करेंगे तो ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है बोथ में यूज कर रहा है प्रिस्मेटिक में और सर्वेयर में प्रिज में जो यूज होता है सिर्फ प्रिस्मेटिक कंपास के अंदर होता है भैया ठीक तो है भाव भैया तो आंसर क्या रहेगा ए एंड ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलते नेक्स्ट पे इसे करिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है वेन ए सर्वेयर लाइन डिप्स बिलो द ग्रेडेंट लाइन इट इज कॉल्ड मान लो क्या है कि जो सर्वेयर लाइन है वो आपकी हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन से नीचे जाती है तो उसको क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको देखो ये आपके एनवायरमेंटल इंजीनियर क्वेश्चन है जब भी आप मान लो कि आपके पास क्या है आपकी सीवर लाइन ये जा रही है और बीच में कहीं आपके पास वाटर लाइन जा रही है तो क्या करते हैं इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं तो क्या बोलते हैं उसको उसको हम इनवर्टेड साइफन बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको दिस इज द इनवर्टेड साइफन एंड बी इस फॉर दिस क्वेश्चन क्लीन आउट क्या होता है कभी आप अपने दांतों की सफाई करवाने गए हो तो डॉक्टर क्या करता है डॉक्टर डोटा मशीन लेता है आपके दांतों में ऐसे करता है डर फिर क्या करता है एक पाइप लगाता है एक पाइप से क्या करता है जो अंदर का सारा मलबा है उसको बाहर निकाल देता है ऐसे क्या होता है क्लीन आउट के अंदर यदि आपके फ्लो में कोई हर्डल आ रहे हैं कोई ऐसी चीजें फंस गई है उसको बाहर निकाल देता है दैट इज क्लीन आउट इसको क्या बोलते हैं क्लीन आउट बोलते हैं फ्लशिंग टैंक आपको पता है फ्लश करने का काम आता है इससे फ्लो आपका रेगुलेट रहे और आगे तक बढ़ता जाए दूसरा तो हम बात करेंगे आपके लैंप होल की लैंप होल का मेन काम ये होता है इसके अंदर एक लाइट लगी होती है इससे इस समय में आता है कि आपकी ऑक्सीजन कितनी है ठीक है मान लो क्या है कि लैंप इसके अंदर लैंप लगा होता है उसमें मोमबत्ती जलाते हैं यदि मोमबत्ती बुझ जाती है समझ लो कि अंदर डेंजरस गैसेस बन चुकी हैं अब इसके अंदर जाना इसके क्या होगा? इसके अंदर अंदर क्या आपका जाना सही नहीं होगा तो इसलिए क्या करते हैं है. तो है? है? सीवर, सीवर है, है? है और बड़ी खतरनाक गैस होती है वो. तो जो लोग इसके अंदर जाएंगे मर जाएंगे ठीक है तो लैंप होल जला के रख पहले देख लेते हैं कि भाई कोई चीज है इसके अंदर ऐसा कोई ऐसी टॉक्सिक गैसेज तो नहीं बन रही है चलते नेक्स्ट पे क्वेश्चन आपका होमवर्क है मैं कल कराऊंगा क्लास के अंदर तो प्लीज इस होमवर्क को कंप्लीट करके आना सभी के सभी स्टूडेंट को करके आना है ये क्वेश्चन ठीक है कल मैं क्लास के अंदर करवाऊंगा ये करते हैं पहले ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन है काफी करिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हाँ चेक करते हैं बिल्कुल सही बात क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द पोर्टलैंड सीमेंट हैविंग द लेस सी थ्री ए ट्राई कैल्सियम एलुमिनेट विल हैव मतलब क्या है कि जो आपका सी थ्री का जो कंपोनेंट है वो काफी कम है ठीक है क्या रहेगा कि यदि सी थ्री का जो कंपोनेंट है वो कम रहेगा तो बताइए आंसर क्या रहेगा ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन ध्यान से काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाया हूं मैं आज के लिए आपके लिए मतलब आप वाह वाह कर जाओगे ऐसे क्वेश्चन नहीं है चलो जिसमें इसका नंबर आ गया होगा भैया ये पेपर थोड़ा सा सही बना था तो जिन्होंने कर दिए हुए क्वेश्चन को जिन्होंने दिमाग लगाए होंगे तो उनके आंसर आ गए होंगे देखो मैं चाहता ही हूं कि जो सड़वे क्वेश्चन है ना, वो ना करो आप अच्छे क्वेश्चन करो तो थोड़ा दिमाग लगाओ अपना चाहे थोड़ा देर हो जाए हमें ठीक है बाद में आप दो गुना स्पीड करके सुन लेना यार पर अभी सुन लो मेरी बात अब हम बात करेंगे पोर्टलैंड सीमेंट की बात करूंगा तो C3 देखो C3 थ्री करता क्या है C3 थ्री का मेन काम ये होता है कि फ्लैश शेडिंग कर देना हीट ऑफ जनरेशन काफी ज्यादा होती है और क्रैक बनते हैं अब यदि मैं C3 के कंपोनेंट को कम कर देता हूं दैट मींस क्रैक नहीं बनेंगे हीट कम डेवलप होगी और स्ट्रेंथ भी ज्यादा रहेगी क्योंकि क्या होगा फ्लैश सेट नहीं होगा आराम आराम से स्ट्रेंथ बनेगी मतलब क्या है यहां पे सेटिंग की दिक्कत नहीं है हम क्या है हम सख्त लोंडे हैं ऐसा बोल सकते हैं तो दैट मींस कि हम क्या करेंगे हम एक पे ही सेटिंग करेंगे उस पर स्ट्रेंथ को गेन करेंगे उससे शादी करेंगे कुछ लोग क्या होते हैं सिर्फ सेटिंग करते हैं तो सी थ्री सिर्फ सेटिंग करता है जो सेटिंग करते हैं उनमें क्रैक बनते हैं ठीक है थीके? और बाद में क्या करेंगे वो फ्लैश सेट होके टूट जाएंगे उनकी स्ट्रेंथ नहीं बन पाएगी बात समझ रहे आप सभी तो आंसर क्या रहेगा हाँ रहे लेस जनरेशन हिट रहेगी और लेस क्रैक बनेंगे आंसर क्या रहेगा एंड ए ए आंसर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आपका है समझ जाओ बस आप ठीक है अब या आप क्या होती है ऐसी जल्दी समझ, जा, समझ जाते हो सच्चा प्यार करना है हमें हमेशा चलते नेक्स्ट पे अब ऐसे क्वेश्चन में गलत करके आओ ना तो फिर उनको मारो पकड़ पकड़ के यदि ऐसे क्वेश्चन में गलत हुआ तो चलो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द फ्लो इन ओपन चैनल इज सैट टू बी सब क्रिटिकल इफ द फ्रॉड नंबर इज जीरो ग्रेटर टू वन लेस वन बोलिए तो ध्यान रखें इस बात को यदि मैं आपके पास फ्लो की बात करूंगा तो फ्रॉड नंबर की वैल्यू वन दैट इज क्रिटिकल वन से ज्यादा तो सुपर क्रिटिकल सुपर फ्रॉड नंबर की वैल्यू वन से कम दैट इज अ सब क्रिटिकल ठीक है ये आपका अप स्ट्रीम कंट्रोल ये आपका डाउन स्ट्रीम कंट्रोल होते हैं यही बात ध्यान रखेंगे ये है काम की बात तो ये पूछता तो मजा आता इस सड़े सवाल पूछ लेते हैं तो फ्रॉड नंबर इज लेस देन वन तो आंसर क्या होगा डी एंड डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलते नेक्स्ट पे चलिए नेक्स्ट करेंगे हाँ स्टीमिंग भी बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आगे जवाब दीजिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है इफ द डिग्नेशन इज सेट टू बी ईस्ट देन द ट्रू बियरिंग कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ऑब्जर्व मैग्नेटिक बियरिंग बाय द रिलेशन बोलिए हाँ सही बात जैन जी अमन जैन सही जा रहे हो बिल्कुल सही डैप कम डैप ज्यादा देखो विलोसिटी ज्यादा रहेगी तो हमेशा क्या रहेगा विलोसिटी जब भी ज्यादा होती है तो डैप कम ही आती है डैप जब ज्यादा रहती है ना तो विलोसिटी कम रहती है यह आप ध्यान रखो बोलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का इसमें भी बी और सी कर रहे हैं हद हो गई कतई देखो यदि मैं आपके पास बात करूं तो दैट इज माई ट्रू नॉर्थ और दैट इज माई ए बी लाइन इसको मैं मान लेता हूं ये मेरा क्या है ये मेरी मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये क्या है ये डेल्टा ई e है दिस इज द डिक्लीनेशन अब क्या होता है यदि मेरे पास ईस्ट वर्ड डिक्लीनेशन होता है तो इसको हम प्लस डिक्लीनेशन बोलते हैं पॉजिटिव डिक्लीनेशन बोलते हैं इसको ठीक है और यदि मेरे पास ये वेस्ट वर्ड रहेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम नेगेटिव डिक्लीनेशन बोलते हैं ओके okay? तो आंसर कह रहेगा ईस्ट पॉजिटिव वेस्ट आपका नेगेटिव होता है तो ईस्ट में हमेशा ईस्ट में क्या होता है सन निकलता है तो क्या रहेगा पॉजिटिव वेस्ट में क्या होता है सन छुप जाता है तो क्या होता है नेगेटिव हो गया छुप जाना मतलब कम हो जाना तो आंसर क्या रहेगा यदि मैं आपकी बात करूंगा किसकी यदि मैं आपकी बात कर रहा हूं सिर्फ ईस्ट की बात कर रहा हूं तो यदि मैं आपके सिर्फ ईस्ट की बात करूंगा तो पॉजिटिव रहेगा तो आंसर कह रहेगा बी एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन किसी को कंफ्यूज तो नहीं है कि सर पॉजिटिव क्यों होता है यदि ये भी कंफ्यूजन है तो दूर कर सकता हूं वैसे मैं, पर यदि नहीं है तो चलो अब आगे बढ़ जाते हैं फिर. करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बताइए जवाब आंसर क्या होता है प्रोटोजोबल डिसीज इन फॉलोइंग अभी क्या होता है सब ये पानी की डिसीज है या फिर आपका आ, टाइफाइड फीवर हो गया या फिर आपका बैसिलरी डिसेंट्री हो गया ये सब क्या होते हैं ये सब आप पानी के ये सब क्या होते हैं ये सब आपके पानी के खतरे होते हैं ठीक है सर कैन ट्रूबियरिंग भी इक्वल टू द मैग्नेटिक बेयरिंग हां जियोडिक्लेनेशन कर दो डिक्लेनेशन इज इक्वल टू जीरो ठीक है आइसोस्टेनिक तो लाइन के अंदर ये तो होता है डिक्लेनेशन जीरो जाता है तो हो जाती है वैल्यू आंसर करेगा तो देखो आपके पास प्रोटोजो की डिसीज की बात करूंगा तो ये क्या होता है ये आपकी अमेबिक डिसेंट्री होती है जो अमीबा से बनती है मतलब क्या है पानी के अंदर अमीबा बहुत ज्यादा है तो इससे क्या होता है ये आपकी छोटी आत पे अटैक करती है इसको क्या बोलते हैं अमीबा डिसेंट्री बोलते हैं ठीक है थीके? जो आपका ये ये वजह से होती है बैस्टरी किसकी वजह से होती है बैक्टीरिया की वजह से ये तो प्रोटोजोवा की वजह से हुआ प्रोटोजोवा की वजह से हुआ ये बैक्टीरिया की वजह से होती है ओके तो आंसर क्या है ए एंड ए इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे इसे करिए पढ़िए क्वेश्चन लाइन हां एजोनिक लाइन हाँ, सही बात है आइसोनिक में सेम होता है सही बात चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया जवाब दीजिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है अनडिस्टर्ब सैंपल ऑफ क्ले अब मैं बताता तो रहा हूँ प्री में आ रहे हैं मेंस के क्वेश्चन मेंस में आ रहे हैं प्री क्वेश्चन एस ने तो ये कर दिया अब चलो सैंपल की बात करता हूं ट्वेंटी फोर एम का थिक दिया हुआ है 24 फोर एम एम थिक ठीक है डबल ड्रिलेज है सही बात टाइम कितना लग रहा है 20 मिनट्स लग रहा है 20 मिनट्स लग रहा है फिर बोल रहा है आपसे कि एक मैं आपका फील्ड में जाता हूं चार मीटर थिक है फील्ड में और 50 परसेंट कंसल्टेशन हो रहा है बताइए कि आपके पास कितना टाइम लगेगा वेरी सिंपल क्वेश्चन तो कैसे करेंगे इसको यदि मैं आपके पास बात करूं कि टीवी बराबर क्या होता है सीवी वी टी ट्वेंटी डिवाइड बाई डी स्क्केगा की बात कंसोलिडेशन वो आपका लैब और फील्ड में हम सेम मानते हैं ठीक है तो यदि सेम मानते हैं तो टाइम फैक्टर तो सेम ही है तो दोनों बराबर कर सकता हूं तो मैं क्या करता हूं टी ट्वेंटी बाई डी ट्वेंटी का स्क्वायर इक्वल टू टी फील्ड अपॉन डी फील्ड का स्क्वायर टी ट्वेंटी आपको दिया हुआ है बीस मिनट यहां पुट कर दीजिए डबल कंडीशन है तो मतलब क्या हो जाएगा डी की वैल्यू क्या हो जाएगी एच बाई टू हो जाएगी एच बाई ट हो जाएगी तो दैट इज बारह एम एम तो मैं यहां कर देता हूं तो ट्वेंटी इन टू कितना हो गया ये इंटू सिक्सटी कर दिया मैंने ये तो ट्वेल्व इंटू मैं इसके थ्री कर दिया इसको ओके का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी फील्ड का निकालना है कितना है वैल्यू फोर है तो टू स्क्वायर कर दिया तो यहां से बता दो टाइम पीरियड कितना आ रहा है टाइम पीरियड कितना आ रहा है तो 386 आ रहा है डी टू कौन बता रहा है 386 आंसर आएगा एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तो सिंपल सी कैलकुलेशन है इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है इसमें आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को तो थ्री एटी सिक्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा ओके चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट करेंगे कल ही कराएंगे अनुज कुमार जी कल ही कराएंगे यूपी पी सी एल का पेपर ही कराएंगे सब करवाऊंगा मैं अब ठीक है रोजाना आपको एक पेपर मिलेगा कोई साहब मिल जाए इतने आपका एग्जाम नहीं आ रहा है इतने सारे पेपर को देख लो कैसे पेपर आ रहे हैं चलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन एनश्योर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ हार्ड एंड कॉन्क्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर बोलिए मतलब क्या है कि इनमें से कौन से ऐसे दो ऑपरेशन हैं जो आपकी स्ट्रेंथ को आपकी इम को और ड्यूरेबिलिटी ऑफ द हार्ड एंड कॉन्क्रीट को बढ़ाते हैं तो कौन से रहेंगे बोलिए क्वेश्चन थर्टी थ्री का आंसर बोलिए जल्दी तो ध्यान रखें इस बात को पहली बात तो ये जब भी इम की बात आए मतलब क्या है कि आपकी पर्मिबिलिटी को बंद कर दो परमिबिलिटी को बंद करने का तरीका एक ही है कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा अब कॉम्पैक्शन ऑप्शन बताओ कौन कौन से है कॉम्पैक्शन में ना इसमें आ रहा ना इसमें आ रहा ना इसमें आ रहा तो आंसर ये रहेगा तो एक तो क्या है कि प्लेसिंग अच्छी रहेगी तो ड्यूरेबिलिटी अच्छी रहेगी दूसरा कॉम्पैक्शन कर दो तो इम्प्रबिलिटी आपकी ज्यादा हो जाएगी हाँ आज पूरा करवा देंगे तो आंसर क्या आपका ए एंड इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे पूरा करवा के जाएंगे भाई चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आके आपकी स्क्रीन पे आगे जवाब दीजिए बोलोगे आपसे वेना वैना ये पाइल्स नहीं है प्लाई है प्लाइज ठीक है प्लाई का नाम सुना होगा आपने प्लाई वुड जो होती है ठीक है आर बॉन्डेड टुगेदर विद टूगेदर विदर सोल्यूबल ग्लूज सच एज अ कैसिन ग्लू इज ऑप्टेन अब क्या होते हैं यहां पे आपके डिफरेंट टाइप के प्लाईवुड दिए हुए हैं ठीक है एक्सटीरियर ग्रेड प्लाईवुड स्टार प्लाईवुड इंटीरियर ग्राइड प्लाईवुड एंड एडना प्लाईवुड डायना प्लाईवुड वहां यूज करते हैं जहां पे आपको नो no शिंक चाहिए नो no आपका एक्सपेंशन चाहिए उसके लिए क्या करते हैं इसके लिए हम इसको यूज करते हैं लेकिन ध्यान रखेंगे यदि मैं वाटर सोल्यूबल ग्लू को यूज़ कर रहा हूँ तो दैट इज़ मैं उसके लिए इंटीरियर ग्रेड प्लाइविड यूज करूंगा क्यों तो क्योंकि ये क्या रहेंगे ये आपके इनर साइड में यूज़ करेंगे ये आपके वाटर रेजिस्टेंट नहीं होते हैं यदि ये वाटर के प्रेजेंट में आएंगे तो ये आपके गल सकते हैं ठीक है जो आपके एक्सटीरियर ग्रूड ग्रेड प्लाईवुड होते हैं वो आपके वाटर को एब्जोर्ड कर सकते हैं वाटर रेजिस्टेंट होते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं इसके लिए हमें अलग से इस पर कोटिंग करनी पड़ेगी जिसमें कोई कोटिंग नहीं की जाती इन दोनों में डिफरेंस ये होता है तो जब भी आपका वाटर ग्लू यूज कर रहे हैं तो दैट मीनस वो पानी का रेजिस्टेंट नहीं कर पाएगा पानी से दूर रखना पड़ेगा तो इंटीरियर के लिए यूज करते हैं तो आंसर क्या रहेगा आंसर रहेगा सी एंड सी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे इसे करिए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे जवाब दीजिए अरे मज़ा तो आ रहा है आप सभी को पढ़ते रहो यार रोज पढ़ना है आपको बस छुट्टी सी हो गई यार बता छुट्टी खराब हो गई है ऐसे बता रहा हूँ मैं अब मतलब अभी मेंस का बैच पढ़ाया प्री का बैच पढ़ाया फिर छुट्टी कुछ लेते ऊपर से ये बैंड बज गई है हमारी चलो कोई बात नहीं जिंदगी एक सफ़र है सुहाना ये तो है ही खैर चलिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द मेन सीमेंटिस पोर्टलैंड सीमेंट जो मेन होते हैं पोर्टलैंड सीमेंट के वो कौन कौन से होते हैं ध्यान इस बात को कि जो आपका होता है और जो आपका C2S है वो सेवेंटी परसेंट से ज्यादा होता है आपके पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर यदि वो पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर सेवनटी परसेंट से ज्यादा होता है तो वही आपके मेन सीमेंटेस प्रॉपर्टीज रहेंगी तो आंसर क्या रहेगा आंसर रहेगा आपका डी तो आंसर रहेगा डी एंड डी इसका फॉर दिस क्वेश्चन जो बच्चे सी थ्री ए बता रहे हैं उनके लिए रिप रेस्ट इन पीस क्यों क्योंकि देखो सी थ्री क्या होता है ये आपका कोई सीमेंटेसिस प्रॉपर्टी नहीं है ये आपके मेन कॉन्स्टेंट नहीं होते हैं कभी भी इट इज अनडिजायरेबल सी थ्री कभी भी निकम्मा बच्चा है ये सेटिंग करता है सिर्फ स्ट्रेंथ गेन नहीं कराएगा स्ट्रेंथ गेन ये कराते हैं ठीक है सी थ्री एस और सी टू एस कराते हैं स्ट्रेंथ गेन ओके ये बात ध्यान रखेंगे चले आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर ए डोमेस्टिक यूज द वाटर रिक्वायरमेंट यदि मेरे पास डोमेस्टिक पर्पज के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करेगा क्वेश्चन में आपसे बोला गया है इट शुड नॉट लीड टू स्केल फॉर्मेशन इट शुड नॉट बी प्लेंटीफाई एंड चीप इट शुड नॉट बी रीजनेबली फ्री फ्रॉम फिनोलिक कॉम्पाउंड एंड शिट शुड इट शुड नॉट बी रीजनेबली सॉफ्ट अरे सब ऑप्शन देख के समय में आ रहा है इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन देख के ही समझ में आ रहा है कि भैया की इट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर द डोमेस्टिक यूज के लिए जो मेरे पास लेड है वो नहीं बनना चाहिए और सब में क्या लिखा हुआ है क्या सस्ता पानी नहीं देंगे तो लोग वोट नहीं देंगे तो सस्ता पानी तो देना पड़ेगा दूसरा शिड नॉट बी रीजनेबली फ्री फ्रॉम अरे फोनोली कंपाउंड और क्लोराइड से कम होना चाहिए यदि ज्यादा रहे तो क्या हो सकते हैं तो फिर आपको क्या हो सकता है बताओ तो लोगों को क्या होता है लूज मोशन लग जाएंगे यदि आपका क्लोराइड्स और फ्रोलिक कंपाउंड बहुत ज्यादा हुआ तो आपको पानी पी के लूज मोशन लग सकते हैं दूसरा इट शुड नॉट बी लिखा हुआ है तो भैया ये ऐसे हार्ड पानी पियाओगे क्या ये भी गलत ये भी गलत ये भी गलत तो क्या होता है स्केल फॉर्मेशन ये होता है कि उनके अंदर कोई भी लैदर्स नहीं होना चाहिए झाग नहीं होने चाहिए पानी के अंदर तो आंसर क्या रहेगा ए एंड ए इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं इसको क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द पाइप विच आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ क्ले एंड शेल्स ऑफ स्पेशल क्वालिटीज एंड ग्रेड यूज इन द हॉट प्रोसेस आर नोन एज ब्रिक सीवर बस्टे सीमेंट सीवर स्टोनवेयर सीवन प्लास्टिक सीवर जब भी क्ले की बात आ जाए ना तो स्टोनवेयर लगा दो चिपका दो ये क्वेश्चन क्या होते हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं बात की गई किसकी क्ले शेल की दैट इज स्टोनवेयर बिना आंख बंद करके लगाओ क्ले तो ऐसा होता है जब भी आपके पास क्ले की बात की जाए दैट इज स्टोनवेयर ठीक है और ये कहां पे यूज करे जाते हैं मुझे बताओ मुझे स्टोन वियर सीवर कहां पे यूज करेंगे वैसे तो हम ब्रिक सीवर यूज करते हैं बेसिकली ठीक है बट स्टोन वियर सीवर कहां पे यूज करेंगे सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बताओ जरा एक बार कोई तो बता दो कहां पे यूज करेंगे बताओ कोई सही कहा सर जी बिना आग बंद कर कर लगाओ हाँ मतलब वही मतलब एज पर द आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड फॉर डिजाइन द रेनफोर्स कॉन्क्रीट भीम द मैक्सिम अलावेबल सी एसटेस डिपेंड्स ऑन सीवर पाइप के अंदर सीवेज देखो जहाँ पे क्या हो जहाँ पे आपके लीकेज के चांसेस काफी ज़्यादा हो, तो वहाँ पे स्टोन स्टोनवेयर को यूज किया जाता है कि लीकेज ना हो जाए ठीक है ये बात ध्यान रखेंगे चलो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आई एस फोर फाइव सिक्स के अंदर डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कॉन्क्रीट की, की बात की गई है द मैक्सिमम अलावेबल शियर स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन देखो जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होते हैं इसको हम टाउसी मैक्स होते हैं और इसकी वजह से डायगनल कंप्रेशन फेलियर हो सकते हैं किसी भी केस में आपके पास जो नॉर्मल शीयर स्ट्रेस है या नॉर्मिनल शेयर स्ट्रेस है वो कभी भी टाउसी मैक्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसलिए क्या होता है हमेशा इसकी वैल्यू कम रखते हैं तो ये किस पे डिपेंड करता है इट इज ओनली डिपेंड ऑन द किस पे ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट पे डिपेंड करता है सबको पता है बच्चा बच्चा जानता है कि ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे टॉसी मैक्स डिपेंड करता है जबकि जो टाउसी होता है ना ये क्या होता है ये आपके ग्रेड ऑफ स्टील पे भी डिपेंड करता है इट इज डिपेंड ऑन द ग्रेड ऑफ स्टील लेकिन टाउसी मैक्स ओनली डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे डिपेंड करता है बात समय सभी को तो इनमें और इनमें डिफरेंस है तो आंखें आंखें बंद करके चेहरा नजर नहीं आएगा आंखें खोल के ही चेहरा नजर आएगा बाद समय सभी को मतलब गाने भी कैसे बनाते हैं आंखें बंद करके तो लोगों को भूत दिखते हैं और ये आंखें बंद करके उसका चेहरा दिखा रहे हैं बताओ कुछ भी बना देते हैं गाने में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट अब ये फिर आ गया इसे कितनी बार धोएंगे हम चलो कोई बात नहीं करो फिर भी गामा डी का फॉर्मूला पूछ लिया आपसे देख के लगा दो ऐसे क्वेश्चन को तो बस मतलब ऐसे निकल जाना है ऐसे लगा के ऐसे निकल जाना है ठीक तो आंसर क्या है डी एंड डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है ये बात ध्यान रखेंगे ठीक चलते हैं नेक्स्ट पे इसे करिए इसे करिए सब आते हैं देखो मिश्रा जी ये सब क्वेश्चन आए हुए मैं 2019 का पेपर करवा रहा हूं मैं आपको ठीक है

ठीक है? याद रखेंगे इस बात को चलते नेक्स्ट पे इसे करिए नेक्स्ट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द बेस्ट साइड स्लोप थीटा एंगल मेड बाय द साइड विद हॉरिजॉन्टल फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रिपोजोटल सेक्शन यदि मेरे पास मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रिपोजोटल सेक्शन रहेगा ठीक है आरसीसी एल बाय कितना होता है टू फिफ्टी होता है ठीक है कोई बात नहीं इस बार पास हो जाओगे यार बोलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का ध्यान इस बात को जब भी मैं आपके पास ट्रिपल सेक्शन की बात करूंगा तो हमेशा क्या होता है मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए हम जो एंगल हैं वो आपका सिक्सटी डिग्री रखते हैं एक बात और ध्यान रखेंगे कभी क्वेश्चन में आपको ये दिया हो कि आपको बी दिया हो और बोला गया हो कि आपके पास क्या ट्रिपल सेक्शन है वो पूछा गया कि वाई बता दो ठीक है कुछ और नहीं दे रखा वाई पूछा है ऐसे क्या होता है यदि रेक्टेंगुलर चैनल होता रेक्टेंगुलर चैनल के लिए क्या होता है कि भाई वाई जो होता है वो बी बाई टू हो जाता है ऐसे ही ट्रिपल सेक्शन के लिए जो बी बाई वाई का रेशो है वो याद रखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टू बाई रूट थ्री होता है ठीक है ये बात आप ध्यान रखेंगे ओके तो इस बात को ध्यान रखेंगे बी बाई वाई का जो फॉर्मूला होता है वो टू बाई रूट थ्री के बराबर होता है आ रही बात सभी को ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं ये आपका गेट में आया था जब हमने पेपर दिया था तब गेट में आया था ऐसा क्वेश्चन तो आप जब भी मोस्ट कॉमन की बात की जाए तो इसको पुट कर देना सिंपल सी बात यह है चलते हैं नेक्स्ट पे इसे करिए करिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है जो आप देंगे इस बात का कि द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द कवर कवर कौन सा पूछा गया है क्लियर कवर पूछा गया कौन सा कवर पूछा गया पता नहीं ठीक है इसको क्लियर कर लो फिर क्लियर कवर की बात की जा रही है क्लियर कवर की बात की जा रही है तो क्या होता है क्लियर कवर यदि मैं आपके पास बीम की बात करूं तो बीम में ये रेनफोर्समेंट है इस रेनफोर्समेंट में जो ये आपके पास रेनफोर्स बार है इससे बाहर का जो कवर होता है इसको हम बोलते हैं क्लियर कवर ठीक है अब यदि मैं इसके सेंटर तक लेता सेंटर तक उसको क्या बोलते हैं डी इफेक्टिव बोलते हैं इफेक्टिव कवर बोलते हैं उसको ठीक है उसमें क्या होता है उसमें डायमीटर का हाफ हो जाता है क्या होता है डायमीटर का हाफ हो जाता है तो आंसर कहेगा इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द एक्सपोज कॉन्क्रीट कंडीशन और टू द नियरेस्ट सर्फेस ऑफ द रेनफोर्स बार इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ए आपका कर आंसर है चलते हैं नेक्स्ट पे करिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आगे जवाब दीजिए 42 का अरे क्लियर कवर पूछा गया से उम्मीद थी ऐसी है है। कोई बात नहीं गुरुजी जी आप एक बार बात कर लेना मुझसे इंस्टाग्राम आईडी बता चुका हूं आपको अवनीश शर्मा जीरो नाइन कोई भी दिक्कत है कोई भी दिक्कत हो किसी को तो एक बार फोन कर लो कोई टेंशन नहीं यार कालू भैया साथ है तुम्हारे बोलिए आंसर क्या इसका

कि भाई क्या पोजिशन जो हमने ड्रॉइंगशी बनाई क्या वो वहीं पर बनी हुई है क्या वो होता है आपके पास रिसेक्शन मेथड और सब प्रोसेस के अंदर पहले हम देखते हैं चीजों को फिर अपनी पे बनाते हैं लेकिन यहां उल्टा करते हैं पहले पे बनाते हैं फिर देखते हैं कि जो बना बनाए ड्रॉइंगशीट पे क्या वो सही बनाए क्या वहां पे ऊपर वाले को उसको हम रिसेक्शन बोल देते हैं ओके okay, तो आंसर क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा इसका रीसेक्शन एंड डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इंटरसेक्शन मेथड हम यूज करते हैं किसके लिए इन एक्सेबल एरिया के लिए ठीक है जब भी आपका इनएक्सेबल एरिया रहेगा उसके लिए हम आपका इंटरसेक्शन मेथड यूज करेंगे ठीक है ये बात ध्यान रखेंगे चलते हैं नेक्स्ट पे चलिए नेक्स नेक्स्ट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया जवाब देंगे क्वेश्चन में आपसे बोला गया है ए बैच मिक्स इन विच द एक्सेस ऑफ मिक्सर ऑलवेज हॉरिजॉन्टल एंड डिस्चार्ज टेक प्लेस बाय इंसर्टिंग अ शूट इन टू अ ड्रम और बाई रिवर्सिंग द डायरेक्शन और रोटेशन ऑफ द ड्रम इज नोन मतलब क्या है एक ऐसी अबाउट क्या करते हैं कालू भाई यही तो बात है गोरे हैं पर हमारा नाम कालू है आप क्या कर सकते हैं जबकि तो हम काले बोर्ड पढ़ाते हैं चलो ए बैच मिक्स इन विच एक्सिस ऑफ मिक्सर ऑलवेज हॉरिजेंटल एंड डिस्चार्ज टेक प्लेस बाई इन सेटिंग आर शूड अब देखो क्या है कि इसमें क्या है कि जब हम मिक्सर को यूज़ करते हैं तो मिक्सर में क्या होता है पहले मिक्सर में सब कॉन्क्रीट को फिल करो फिर क्या करते हैं उसकी उसको ऐसे घुमाते हैं चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है वो फिर क्या करते हैं उसको वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर देते थे थे हैं ठीक है ऐसे रोटेट कर दिया और उससे क्या होगा कि सारा सारा जो कॉन्क्रीट है वो बाहर निकल जाता है लेकिन क्या होता है ये वो मिक्सर है इसमें क्या होता है उसमें आपको अलग से शूट लगाना पड़ेगा जिससे क्या हो कॉन्क्रीट को बाहर निकाल जा सके इसमें क्या करेंगे उसको हम एक्सिस को ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ऐसे ही रहेगा वो ठीक है मिक्स करेगा लेकिन इसमें से इसको ऐसे रोटेट नहीं कर सकते इसको क्या बोलते हैं उसको हम नॉन टिल्टिंग ड्रम बोलते हैं बी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नॉन टिल्टिंग ड्रम बोलते हैं इसको ठीक है ठीक है काले हुए तो क्या हुआ दिल वाले हैं भाई हम ठीक है तो क्या होता है ये ये इसमें जो एंगल रहेगा आपका रोटेशन का वो जीरो डिग्री रहता है जबकि और में क्या रहेगा एंगल की वैल्यू रहती है ठीक है क्वेश्चन वो भी करवाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी ये तो कर खर लो करो इसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया जवाब दीजिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है क्वेश्चन ऑफ 50 मीटर लाइन हैविंग द बियरिंग आपको दिया हुआ है मतलब क्या है एक लाइन है उसमें आपके पास ये लाइन है और 50 मीटर की लाइन है ठीक है और एंगल क्या है ये एंगल है अब एंगल ये है टी डिग्री का एंगल है तो दैट मीन फोर्टी डिग्री का एंगल है तो लैटिट्यूड की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी लैटिट्यूड की वैल्यू नेगेटिव किस किस में आ रही है इसमें आ रही है इसमें आ, इस आ रही है ये दोनों तो कट गए ये दोनों तो आपके कट गए बचे ऑप्शन ये तो क्या होगा एल लैटिट्यूड क्या होता है लैटिट्यूड रहेगा माइनस के एल थीटा दिस इज 50 कोस 40 डिग्री अब देखो जरा ध्यान से देखो कोस 30 की वैल्यू क्या होती है थर्टी वैल्यू क्या होगी रूट थ्री बाय टू रहेगी ठीक है और कोस फोर्टी क्या रहेगी वन अपॉन रूट टू रहेगी अब कोस फोर्टी रूट टू रहेगी तो क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट फोर फाइव तो पांच बीस तो बीस और थर्टी एट तो आंसर क्या रहेगा बताइए कितना आंसर आएगा तो ध्यान रखिए इस बात को यदि मैं माइनस के एल्कोस करूंगा तो फोर्टी फाइव डिग्री पे वन अपॉइंट रूट टू होता है तो उससे तो वैल्यू क्या रहेगी उससे तो वैल्यू कमी आनी है पचास से वन पॉइंट सेवन और थर्टी फाइव और थर्टी नाइन के करीब आएगी तो उससे तो कम वैल्यू आनी तो आंसर क्या रहेगा आंसर रहेगा सी एंड सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है C, C तो ऐसा सोच लेना है आपको कि एल कोस डेटा में क्या रखूंगा एल स्टैंडर्ड में क्या रखूंगा ठीक है थर्टी एट पॉइंट थ्री थ्री आंसर रहेगा एंड दिस इज द करेक्ट आंसर नेगेटिव वैल्यू रहेगी क्योंकि क्या है आपका ये वाला एंगल है चलते नेक्स्ट पे चलते नेक्स्ट पे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है इस क्वेश्चन में विस टाइप ऑफ नॉच इज सुटेबल फॉर मेजिंग द लो डिस्चार्ज एंड गिव अ मोर एक्यूरेट रिजल्ट इनमें से कौन से जो नोचे हैं वो यूज किए जाते हैं लो डिस्चार्ज के लिए लो डिस्चार्ज के लिए कौन सा यूज किया जाएगा तो ध्यान रखिए इस बात को लो डिस्चार्ज के लिए यदि आपके पास डिस्चार्ज क्यू की वैल्यू इज लेस देन फोर्टी मीटर क्यूब पर सेकंड रहेगी तो उसके क्या करते हैं उसके लिए हम ट्राइंगर नोचेस को यूज करते हैं यदि बड़े हैं तो फिर हम ट्रिपल जोल नोचेस को यूज करेंगे के okay, चलते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया जवाब देंगे क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीजनिंग वुड इज टू बी रिड्यूस द श्रिंकेज एंड वार्पिंग आफ्टर द प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर जो आपके पास सीजनिंग का ऑफ वुड होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है अब हमें डटरा टाइप रखा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीजनिंग इज टू रिमूव द सैप फ्रॉम द वुड रिमूव सैप फ्रॉम द वुड आप क्या होता है जो सैप होता है ये खाना होता है यदि ये, ये जाएगा तो वार्पिंग होगी ये सब ड्रामे हो जाते हैं तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ़ सीजनिंग जो रहता है वो आपका क्या वह है रिड्यूस द स्ट्रेंकेज एंड वार्पिंग आफ्टर द प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ठीक है तो ध्यान रखें इस बात को कि यदि मैं आपके पास बात करूंगा तो शेंकेज को कम करता है और वार्पिंग को भी कम करेगा आफ्टर द प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर नहीं तो क्या होगा कि यदि आपने ध्यान रखेंगे यदि आपने अपने टिम्बर के अंदर मोशन कंटेंट को यूनिफॉर्म नहीं किया तो जब आदमी उसको बनाएंगे टेबल बनाएंगे कुछ बनाएंगे तो वहां पर क्या होंगे कुछ पार्ट में शेंकेज क्रैक बन सकते हैं ध्यान रखेंगे आंसर करेगा ए एंड ए इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे ये करिए डिक्रीज इट्स नहीं यार वेट को डिक्रीज करना हमारा मेन पर्पज नहीं होता है रिमूविंग द सैप वुड अब क्या है मेरे पास यदि हार्डवुड रहेगा तो वो तो हमेशा क्या होता है हमेशा हैवी होता है न वेट का तो कैसे हम वेट को कम कर सकते हैं ठीक है तो वो चीजें हमें लेनी है जो हर जगह आपका यूनिवर्सल ट्रू हो ठीक है ठीक है सिमर जी ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द एक्सपोज वर्टिकल सरफेस लेफ्ट ऑन द साइड ऑफ अ ओपनिंग आफ्टर द डोर एंड विंडो फ्रेम हैज बीन फिटेड इन पोजिशन और कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको बोलिए आंसर क्या रहेगा इसका तो एक्सपोज वर्टिकल सर्फिस की बात की जा रही है कि जो आपके पास एक्सपोज वर्टिकल सर्फिस होती है लेफ्ट साइड ऑन द ओपनिंग आफ्टर डोर एंड विंडो फ्रेम हैज बीन फिटेड तो क्या होता है देखो क्या होता है जब मैं डोर विंडो बनाता हूं मान लो मेरे पास ये आ, मेरे पास विंडो है इसमें क्या होता है ये कुछ पार्ट ऐसा छोड़ा जाता है ये जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं इसको हम जैम्स बोलते हैं दिस इज जैम्स यही क्या होता है यही पोजिशन वाली पार्ट होती है और ये आपसे पूछा गया है तो आंसर क्या रहेगा आंसर रहेगा आपके पास बी एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन पैरा पैंड तो आपको पता ही है कहां होती है? ब्रिक में यूज करते हैं कि ब्रिक में क्या होंगे जो ब्रिक को हम बनाते हैं उस ब्रिक में कभी भी जो जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स को कभी भी पूरा नहीं कर कर पाते ऐसा नहीं है कि जॉइंट सारी सारी यहीं आ जाए तो क्या होगा आपका जो ब्रिक है वो ऐसे खिसक जाएगा तो करते हैं इस 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 जो वर्टिकल एक्सिस हो उसको हमेशा क्या करते हैं ब्रिक से ढक देते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको हम पैराबैंड बोलते हैं ओके ब्रिक के अंदर यूज करते हैं दूसरा जो रिविल्स होते हैं रिविल्स क्या होंगे अब हम बात करेंगे रिविल्स क्या होते हैं मेरे पास यदि ये आपका गेट है ठीक है ये आपका जो पार्ट है फिटेड होता है जो आपके पास पूरे पूरे आपकी वॉल से वो वाला पार्ट है और ये आपका गेट है ये ऐसे खुलता है ठीक है तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं रिवील्स बोलते हैं जिससे क्या होता है ये गेट आपका बंद खुलता है मतलब क्या है ये वाला पार्ट दिस इज एज ए खुला बंद हुआ खुला बंद हुआ तो क्या होता है ये जो आपका सेंटर वाला पार्ट दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं रिवील्स बोलते हैं ओके तो क्या बोलेंगे इसको रिविल्स बोलते हैं ठीक है अब क्या है कि इसका हाँ इसका जो आंसर दिया हुआ है रिविल्स दिया हुआ था उन्होंने तो रिविल्स गलत है जो आपका पोजिशन बच जाती है फिटेड करने के बाद उसको हम जैम्स बोलते हैं वो दिस इज नॉट द रिविल्स पार्ट ठीक है वहां पर गलत दिया हुआ है बाद में उन्होंने चेंज किया होगा कुछ ना कुछ पर आंसर इसका जैम्स है ठीक है तो गलत नहीं पढ़ाएंगे आपको सही पढ़ाएंगे ओके अब मैं इसके सब बता दूंगा एक बार आपको सही सारे ठीक है फ्रोक तो आपको पता है क्या होता है फ्रोक क्या होता है जो हम यहां पे छोड़ते हैं आपकी ब्रिक के ऊपर ये वाला जो पार्ट छोड़ देते हैं इसमें क्या हो कि बाद में कॉन्क्रीट को फिक्स कर देते हैं और उसको लगा देते हैं क्या तो बोलते हैं उसी को हम फ्रोक बोलते हैं तो आंसर क्या है आंसर इसका जैम्स है चलते हैं नेक्स्ट पे करिए नेक्स्ट करेंगे ठीक है रिव, अरे रिविल्स नहीं होता ये बताऊंगा भाटी जी आपको एक बार स्ट्रक्चर दिखाऊंगा मार्क लैंड फॉर ब्रिक सही बात है स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा मैं आपको लाके चलिए द एबिलिटी ऑफ वाटर सैचुरेटेड मटेरियल टू एनडीओ रिपीटेड फ्रीजिंग एंड थॉइंग विदेबल डिक्रीज ऑफ इज़ नोन एज मालू क्या है जो फ्रीजिंग एंड थॉइंग के एक्शन को गर्मी और सर्दी को झेल रहा है उसको क्या बोलते हैं उसको हम फ्रोस्ड एक्शन बोलते हैं ओके okay, तो ध्यान रखें इस बात को द एबिलिटी ऑफ वाटर सैचुरेट मटीरियल टू द रिपीटेड फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंसटेबल डिक्रीज फॉर मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज नोन एज अ फ्रोस्ट रजिस्टेंस एंड सी इज कंसर फॉर दिस क्वेश्चन उसको ही हम फ्रोस्ट रजिस्टेंस बोलते हैं जो आपके फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशंस को रोक सकता है या झेल सकता है चलते नेक्स्ट पे करिए नेक्स्ट

मुझे बताओ कि यदि 25 फाइव एम से बड़ी आपके पास व्रत रहेगी तो क्या बोलेंगे उसको मैंने आपको बताया था बैटन होते हैं लेमन बोर्ड होते हैं ठीक है बोर्ड्स रहेंगे तो इन सबके साइज आपको पता होना चाहिए साइज क्या होते हैं यदि व्रत आपके 25 फाइव एम से कम रहेगा तो ब्लैक बोर्ड में यूज करेंगे इतमरना इसमें यूज नहीं कर पाएंगे ठीक है चलते हैं आगे नेक्स्ट करिए नेक्स्ट हाँ क्या बोल रहे हैं कुछ बैटन बोल रहे हैं कुछ प्लांक बोल रहे हैं बोलिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है वेन द नेचुरल स्टेट ऑफ कोहेजनस सॉइल इन द डेंसेंट स्टेट देन द डेंसिटी इंडेक्स अब क्या है कि आपकी जो सॉइल है वो आपकी डेंसेट स्टेट में है अब यदि आपके डेंसेट स्टेट में है तो उसमें जो डेंसिटी इंडेक्स है जिसको हम आईडी बोलते हैं उस आईडी की वैल्यू क्या रहेगी आई डी ई मैक्स माइनस के ई अपॉन ई मैक्सिमम माइनस के ई मिनिमम होता है और इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है जीरो से लेके वन के बीच में लाई करती है ठीक है यदि आपका बिल्कुल डेंसेंट स्टेट में रहेगा तो आई डी की वैल्यू वन के बराबर रहेगी एंड डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वन से बड़ी नहीं होती है डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू ठीक है तो वन से बड़ी तो कभी होगी ही नहीं देखो एक होता है आपके पास कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है नाम सुना होगा आपने गामा डी फिल्ड अपॉन द गामा डी लैब इसको क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर ठीक है या रिलेटिव कॉम्पैक्शन बोलते हैं क्या बोलते हैं रिलेटिव कॉम्पैक्शन इसकी वैल्यू वन से बड़ी हो सकती है लेकिन डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू को अभी भी वन से बड़ी नहीं होगी तो कंफ्यूज नहीं होना है अच्छा आवाज अलग आ रही है आवाज दो हमको ऐसा कुछ हो रहा है क्या चलो तो एक मिनट रुको यार करते हैं कुछ आंसर है इसका डी एंड डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे चलिए नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जवाब दीजिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ वेब प्लेट इन द डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर इज एम इज अ मैक्सिमम बैंडिंग मूवमेंट सिग्मा बी सी द परमिसिबल बैंडिंग स्ट्रेंथ के इज कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू तो क्या होता है डी की वैल्यू यदि मैं इकोनॉमिकल डैप की बात करूंगा प्लेट गर्डर में तो डी की वैल्यू क्या होती है के एम सिग्मा बी सी की पावर वन बाई थ्री होता है तो आंसर क्या बी रहेगा एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स दिए थे शॉर्ट नोट्स उसमें लिखा हुआ है ये जीरो क्यों नहीं है अरे डेंसर्स स्टेट में बात कर दिए है e ई की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है ठीक है, वर्ड की वैल्यू क्या रहेगी मिनिमम रहेगी तो बताओ जीरो कैसे हो जाएगा ओके okay, तो आंसर क्या है इसका मैंने आपको बताया था वन बाय थ्री वाला आंसर रहेगा, दैट इज वन बाय थ्री और ये आपको दिया हुआ है नोट्स में आप पढ़ लेना उसको एक बार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अरे डांसेस देखो जैसे जैसे आपके आर टी वैल्यू बढ़ रही है दैट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ रहे हैं पार्टिकल पास आएंगे तो क्या होगी डेंसिटी क्या क्या होगी वैल्यू बढ़ेगी ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जल्दी क्विकली करो प्रोसेस ऑफ रबिंग द डाउन द वुड सर्फेस बाई मीन ऑफ प्योमिक स्टोन और ग्लास पेपर आफ्टर द प्राइमरी कोट इज अप्लाइड एंड फिलिंग अप अ क्रैक्स नील होल्स एंड डेंट ओपन जॉइंट इट इज विदी इज नॉन एज तो क्या होता है जो मेरे पास वुड है उस वुड में क्या होता है कि ग्लास पेपर लो या फिर प्योमिक लो उससे घिसते हैं उसको फिर क्या होता है उसमें जो क्रैक्स होते हैं उनको पुट्टी से भर देते हैं उसको तो क्या बोलते हैं ठीक है तो ध्यान रखें इस बात को कि यदि मैं आपके पास बात करूंगा विद पुट्टी इज नॉन एस ओपन जॉइंट्स और पुट्टी को भरेंगे तो क्या बोलेंगे उसको उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग एंड सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन स्टॉपिंग बोला जाता है उसको ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो मेरे पास प्लाईवुड है उसके अंदर जो क्रैक्स है आप, सरफेस आपकी सही से नहीं बनी है उनको आपका घिस देते हैं आपके किससे स्टोन से और बाद में पुट्टी से उसको क्रैक को भर देंगे उसके क्या बोलेंगे उसी को हम स्टॉपिंग बोलते हैं ओके तो आप ध्यान रखेंगे सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे बोलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया जवाब देंगे क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द सेक्शन ऑफ सीवर कंस्ट्रक्टिंग लोअर देन द एडजेसेंट सेक्शन टू पास द और ऑब्स्ट्रक्शन इज इक्शन मान लो क्या है ये आपकी सीवर लाइन जा रही है दिस इज सीवर लाइन जा रही है अब यहां पे क्या हुआ यहां पे आपका रेलवे ट्रैक आ गया तो क्या होता है इसको ऐसे डिप्रेस किया जाता है क्या बोलते हैं उसको उसको हम डिप्रेस सीवर बोलते हैं दिस इज अ डिप्रेस सीवर एंड सी इज का आंसर फॉर सी नहीं है डी है डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हाउस सीवर क्या होते हैं जो आपके घरों से पानी को लेके जाता है या सीवर sewer, सीवेज को लेके जाता है उसको क्या बोलते हैं हाउस सीवर बोलते हैं इंटरसेप्टिंग क्या होंगे जहां पे दो सीवर का करेक्शन होगा वहां पे क्या बोलते हैं हैं उसको इंटरसेप्टिंग बोल देते रिलीफ का मतलब क्या है कि यहां से एयर एयर को बाहर निकाल दो चलते नेक्स्ट पे नेक्स्ट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द फॉर्मला फॉर मैक्सिमम एफिशेंसी गामा मैक्स ऑफ पैल्टन व्हील टर्बाइन इज वेन एंगल इज एट आउटलेट क्या होता है में मैं करूंगा, में. तो यहां पे, जो आपके पास बाहर तो निकाल देते हैं उनको ठीक है तो आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि for max, के लिए, तो गाक्स क्या रहेगी कोस फाइव वाला आंसर होता है एंड ए इसका एक दिन मैं सब समझाऊंगा आपको पूरी वर्किंग कैसे हम इसके अंदर ब्लोसिल ट्राइंगल बनाते हैं अभी अब यह ध्यान रखेंगे कि मैक्सिम सेंस के लिए वन प्लस के कोस फाइव बाई टू ये फाइव का एंगल है वेन का एंगल है थीके? ये ठीक है ये बात ध्यान रखेंगे चलते नेक्स्ट पे इसे करिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया जवाब दीजिए क्वेश्चन आपसे बोला गया था मेथड ऑफ इंटरपोलेशन ऑफ कॉन्ट्यूज देखो क्या होते हैं ये आपके कॉन्ट्यूर के बहुत सारे मेथड होते हैं इंटरपोलेशन करने के या उसमें मेजरमेंट करने के डायरेक्ट मेथड होते हैं कुछ इनडायरेक्ट मेथड होते हैं तो जो आपके पास मेथड ऑफ इंटरपोलेशन होता है कॉन्ट्यूज का यदि मेरे पास रफ एरिया है स्मॉल स्केल हमें यूज करना है तो उसी के लिए कौन सा मेथड यूज करूंगा मैं इसमें से तो ध्यान रखें इस बात को कि यदि मेरे पास क्या है यदि मेरे पास इंटरपोलेशन मुझे करना है और मेरे पास रफ एरिया है और स्मॉल स्केल में यूज कर रहा हूं ठीक है स्मॉल स्केल मतलब क्या है स्मॉल स्केल मतलब यह है कि जो आपके निमोनेटर की वैल्यू है वो आपकी बड़ी वैल्यू है दैट मीनस बड़े एरिया की बात की जा रही है स्मॉल स्केल मतलब यह है बड़े एरिया की बात की जा रही है तो वहां पे क्या होंगे वहां पे हम क्या यूज करेंगे एस्टिमेशन को यूज करते हैं एस्टिमेशन डायरेक्ट मेथड क्या होते है? ये हैं ये आपके लार्ज स्केल के लिए यूज किए जाएंगे और फ्लैट सर्विस के ये आपके बहुत ज्यादा टेडवस होते हैं इसमें आपका जो प्रश्न होती है वो काफी ज्यादा होती है लेकिन क्या होता है इनको हम यूज नहीं करते हैं ये आपके डायरेक्ट मेथड होते हैं और ग्राफिकल हो गया एस्टिमेशन हो गया ये सब क्या होते हैं आपके इनडायरेक्ट मेथड होते हैं ये बात आप ध्यान रखेंगे तो आंसर क्या है इसका सी एंड सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे ये करो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जवाब दीजिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर लैमिना विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड 60 डेप्थ डेप्थ अलोंग द वाई एक्सिस तो दी हुई नहीं है ठीक है मोमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना विद रिस्पेक्ट टू अब इसमें कुछ छुपा हुआ है ये क्या है ये आपके पास मैं बता रहा हूं आंसर क्या है क्वेश्चन ये आपके पास एक लैमिनार है इसमें आपके पास जो ये वृथ दी हुई है थ्री हंड्रेड एम एम दी हुई है ये आपको थ्री हंड्रेड थर्टी एम दी हुई है दिया 30 mm. 30 mm दिया हुआ हुआ है. 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 ये आपको mm ठीक और ये आपकी है तो यदि मैं आपके बात लगाऊंगा आई एक्स एक्स दिस इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाय ट्वेल्व तो यहां से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए क्या आंसर रहेगा ठीक है ठीके? क्या रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछा गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा तो बी डी क्यूब बाय ट्वेल्स से आप निकाल लीजिए ये आपका थर्टी रहेगा ये आपका सिक्सटी का क्यूब डिवाइड रहेगा तो छत्तीस दो सौ सो सोलह और दुनी फाइव, तो फाइव फोर डबल जीरो आंसर रहेगा बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बी आपका आंसर रहेगा हाँ टर्बाइन ठीक है पढ़ा देंगे सोलह सौ से बोल देंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्रिटिकल डेप्थ वेयर क्यू इज अ डिस्चार्ज पर यूनिट एंड जी इज अ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जो मेरे पास क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है यदि आपके पास रेक्टेंगुलर चैनल है ठीक है उसके लिए जो क्रिटिकल डेप्थ होती है इसको हम वाई सी बोल देते हैं यहाँ पे एस लिखा हुआ है वो क्या होती है क्यू स्क्वायर बाई जी की पावर वन बाई थ्री होती है दिस इज दिस एंड क्यू क्या होता है क्यू आपके पास होता है कैपिटल क्यू बाई बी होता है ये बात ध्यान रखेंगे तो आंसर बल क्या आंसर रहेगा इसका तो आंसर रहेगा क्यू स्क्वायर बाई जी की आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है ये सिर्फ आपका किसके लिए रहेगा ये सिर्फ आपका रेक्टेंगुलर चैनल के लिए होता है दिस इज ओनली फॉर रेक्टेंगुलर चैनल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसे करिए नेक्स्ट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स में आपकी स्क्रीन पे आ गया द दूला फॉर ए लॉस ऑफ हेड एट द एंट्रेंस ऑफ पाइप वेयर वे इज वीज वेलोसिटी ऑफ फ्लो मान लो क्या है कि यदि मेरे पास पाइप है मान लो मेरे पास ये पाइप है ठीक है तो पाइप में जो पानी एंटर किया उसके लॉसेज क्या होते, है? होते हैं उसके लॉसेज होते हैं पॉइंट फाइव वी स्क्वायर बाई जी और यदि मैं बात करूं आपके पास वी स्क्वायर बाई टू जी और यदि मैं बात करूं आपके आपके जो एग्जिट लॉसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं एंट्री लॉसेस कम होते हैं एग्जिट लॉसेस ज्यादा होते हैं वो क्या रहेंगे वो आपके होते हैं वी स्क्वायर बाई टू जी ठीक है ये बात ध्यान रखेंगे तो यदि मैं बात करूंगा आपके एंट्रेंस के लॉसेस तो पॉइंट फाइव वी स्क्वायर बाई टू जी एंड सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सी आपका करेक्ट आंसर है चले नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट पे इसे करिए हो क्या आप सभी सारे बच्चे भाग गए हैं क्या हो गया तुम्हें पढ़ना वढ़ना ना है कुछ भी अरे पढ़े ले करो भाई कुछ न रखा इन में ठीक है ऐसे हम सारे सारे पेपर को कंटिन्यू करेंगे ओके और सारे सारे क्वेश्चन को लगा देंगे चलो क्वेश्चन क्वेश्चनिंग हुई है टू वन वन डिग्री फिफ्टी फोर सेकेंड फिफ्टी फोर मिनट क्वारेंटल बियर पूछी गई है तो so, क्या होती है जो पास में उस पर डिपेंड करता है ये क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है तो एन ई एस डब्ल्यू तो ये दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है ये डब्ल्यू सी बी आपको दिया हुआ है टू वन 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 डिग्री दिस इज टू वन वन डिग्री फिफ्टी फोर मिनट अब ये क्या है इसमें से टू वन वन डिग्री फिफ्टी फोर मिनट्स में से आप वन एट्टी माइनस कर दीजिए ठीक है बचा हुआ ये पार्ट रहेगा तो वही आपका आंसर रहेगा तो बीस तो हो गया और ग्यारह बो गया तो इकतीस हो जाएगा तो थर्टी फोर थर्टी वन डिग्री फिफ्टी फोर मिनट्स रहेगा अब बताइए क्या आंसर रहेगा साउथ वेस्ट रहेगा क्या रहेगा तो आंसर क्या इसका A, A, इसका A, है इसका आंसर हो जाएगा ए एंड एसर कट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ए आपका कट आंसर रहेगा चलते हैं आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द सिस्टमेटिक डिपार्चर ऑफ ऑफ द डिक्लीनेशन दिस इज द डिक्लेनेशन क्या रहेगा ये आपका डिक्लीनेशन रहेगा द डिक्लीनेशन और फ्रॉम द मेन वैल्यू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 24 फोर आवर्स देखो क्या होते हैं डिफरेंट टाइप के आपके पास वेरिएशन होते हैं जैसे हम सेकुलर वेरिएशन बोलते हैं या फिर हम आपका एनुअल वेरिएशन बोलते हैं सेकुलर वेरिएशन क्या होता है 300-400 साल में एक बार होता है मैग्नेटिक वेरिएशन की वजह से या फिर आपका साइनसडल वेरिएशन होता है उसकी वजह से आपका डिग्रेशन होता है एनुअल वेरिएशन क्या होता है तीन सौ पैंसठ डेज के लिए होता है ये क्यों होता है कि जो आपकी अर्थ है वो आपके सन के चारों तरफ रोटेट करती है उसकी वजह से क्या होते हैं ये आपका एनुअल वेरिएशन होता है ये एक साल में एक बार होता है दूसरा बात करते हैं डोनल वेरिएशन जो रोज होता है दिन में ज्यादा होता है रात में कम होता है समर में ज्यादा होता है ठीक है विंटर में कम होता है ये क्या होता है डोनल वेरिएशन ये क्यों होते हैं कि जो आपकी अर्थ है वो अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करती है उसकी वजह से क्या होगा इसलिए हम उसको बोलते हैं डोनल वेरिएशन एंड आंसर रहेगा इसका ट्वेंटी आवर्स के लिए करेंगे तो सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सी आपका करक्ट आंसर है चलते हैं नेक्स्ट पे इसे करिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन में आपसे बोला गया है विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी ऑफ बिटूमन टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी के लिए हम बिटूमन कौन सा बिटूमन यूज करेंगे बोलिए विच बिटूमन इज यूज फॉर द टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी ऑफ बिटूमन तो ध्यान रखें इस बात को क्या हो गया ये क्या हुआ तेरा वादा ठीक तो चल रहा है वैसे

चलो दिस इज अ सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट ठीक है चलिए थोड़ा सा नेट इश्यू हो गया था अब सही है एवरीथिंग ओके okay? कोई नहीं हो जाते बीच-बीच में यार, क्या कर सकते हैं आप इसका मेरा ही नेट बंद हो गया था चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं

तो यहां पे ध्यान रखेंगे फ्लैश जो आप फ्लैश पॉइंट टेस्ट होता है वो कौन सा टेस्ट होता है बताइए जरा एक बार कोई स्टूडेंट बताएगा वैसे आंसर क्या है इसका सॉफ्टिंग पॉइंट टेस्ट हम करते हैं फॉर द टेम्परेचर कंट्रोल के लिए नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट ठीक है सुजीत कुमार जी बोल दिया मैंने क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द इंप्योरिटीज विच आर इलेक्ट्रिकली चार्ज ड्यू टू विच पार्टिकल यूजली वेरी स्मॉल इन साइज रिमेन इन कॉन्स्टेंट मोशन एंड डू नॉट सेटल आर कौन से होते हैं वो तो ध्यान रखें इस बात को यदि मैं इंप्योरिटीज की बात करूंगा जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज है देखो क्या होगा यदि इलेक्ट्रिकल चार्ज है तो सस्पेंडेड हो जाए या फिर आपका डिजोल्व इंप्योरिटीज हो जाए इनको हम आपका रिमूव कर सकते हैं लेकिन क्या होते हैं ये आपके मोशन में कभी भी सेटल डाउन नहीं होते हैं वो आपके या तो फ्लोटिंग रहेंगे या कोलाइडिकल रहेंगे लेकिन क्या होंगे जो कोलाइडिकल इंप्योरिटीज होती हैं उनके अंदर चार्जेस होते हैं जबकि फ्लोटिंग इंप्योरिटीज के अंदर चार्जेस नहीं होते हैं तभी तो क्या होते हैं तभी तो हम क्या करेंगे जब तो हम इनके अंदर क्या करे जाते हैं इनके अंदर कोगुलेंट्स को यूज करते हैं जिनसे क्या हो एग्लोमेरिट्स हो क्या हो जो चार्जेस हैं वो चार्जेज चिपके और ये आपके वेट की वजह से नीचे बैठ जाए तो कोलाटिकल इंप्रोटीज को दूर करने के लिए क्या करते हैं आपका कोगुलेशन सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन किया जाता है तो आंसर क्या सी एंड सी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है चलते नेक्स्ट पे नेक्स्ट करिए अब ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कई एग्जाम में आ चुका है

इसे करिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है ए फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ द सिप्लोटी वियर सिप्लोटी वियर क्या होते हैं जिनका आपके पास जो आपका स्लोप है उस स्लोप की वैल्यू को याद रखेंगे

और आपकी जो वैल्यूज हैं वो काफी दूर दूर दी हुई हैं कुछ तो पास भी दी हुई हैं लेकिन मैं कहता हूं टू इंटू टेन कर देता हूं एल की वैल्यू क्या दी हुई है मुझे दो मीटर दी हुई है लेंथ दिस इज मीटर और वन की, ये तो तो ही हो गया तो कितना हो गया तीन बटे दो और रूट ट्वेंटी तो कितना हो गया थ्री पॉइंट दिस इज पॉइंट सिक्स छत्तीस थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स और रूट टू तो टू पॉइंट कुछ आएगा आंसर क्या आ रहा है इसका इंटरनेट रुक गया सर अब सही है ऑल इज ओके आंसर बोले क्या आंसर आ रहा है इससे हाँ देखो रेक्टेंगुलर वियर बोले या सिप्लोटी वियर बोले दैट इज अल का फॉर्मूला डिस्चार्ज कैलकुलेशन का यही होता है यहीं से आपको कैलकुलेट करना है तो कितना आंसर आ रहा है यहां से थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स आ रहा है दिस इज थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स एंड सी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स आ रहा है तो ठीक है ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं चलते हैं नेक्स्ट पे ये करिए वॉट इज द पर्पज ऑफ सॉफ्टनिंग प्लांट इन वॉटर प्योरिफिकेशन सॉफ्टनिंग जो हम करते हैं आपके पास वाटर प्योरिफिकेशन वर्क के लिए उनका मेन काम क्या होता है ठीक है तो ध्यान रखें इस बात को सॉफ्टनिंग का मेन काम यही होता है कि जो मेरे पास हार्डनेस है चाहे वो आपका टेम्प्रेरी हार्डनेस है चाहे आपका परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करना दूसरा उसके अंदर कोई भी लैदर नहीं बनने चाहिए झाग नहीं बननी चाहिए दूसरा तीसरा यह है कि सॉप कंज्यूमर काफी आपका कम होना चाहिए ठीक है उसको दूर किया जाता है उसी को हम सॉफ्टनिंग बोलते हैं तो यदि मैं आपके बात करूं कि टेबलेटी बैक्टीरिया का काम नहीं है सॉफ्टनिंग करना वो तो क्या है उसके लिए तो हम अलग टेस्ट करते हैं उसके लिए हम आपके डिफरेंट टाइप के टेस्ट करेंगे लेकिन टू रिमूव द एक्सेस अमाउंट ऑफ स्केल फॉर्मिंग सॉप कंज्यूमिंग एंड द कैल्शियम मैग्नीशियम को दूर करना एंड सी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सी आपका कर आंसर रहेगा चलते हैं नेक्स्ट पे करिए हाँ, सो आप स्क्रीन पर जवाब इज प्रोवाइड टू कम रेनक्रीटम भीम कोलम ट्रांसफॉर्मेशन इज जनरली क्या होता है कि जब मैं आपका पूरे अप, मैं जब मैं आपका टेस्ट करता हूँ तो मैंने क्या किया मैंने आपकी बार को आपके टेंशनफोर्समेंट में डाला अब मैं जो बार डालता हूं आपके कंप्रेशन एनफोर्समेंट में तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा इस इस पूरे -पूरे सेक्शन को एक सेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो मैं कॉन्क्रीट में कन्वर्ट करूं या मैं इसको स्टीम में कन्वर्ट करता हूं तो मैं क्या करता हूं यहां का जो एरिया है वो 1.5 पॉइंट एम कर देता हूं अभी मैंने जो 1.5 पॉइंट एम किया तो मैंने क्या किया मॉडल रेशियो को बढ़ा दिया किसमें कंप्रेशन साइड में क्यों बढ़ाते हैं जिससे क्या हो कि जब आपके पास जब आप इसके ऊपर लोड पड़े तो लोड पहले तो यही यहाँ तक फेल होने की कोशिश करें यदि इससे एक्स्ट्रा लोड आया तो उस लोड को हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरा ये होता है कि जो एम होता है वो आपका थ्री सिग्मा सी बी सी होता है अब क्या होगा यदि आपका बैंडिंग कंप्रेशन की वैल्यू काफी कम रहेगी तो मोडलर रेशियो की वैल्यू बढ़ जानी है मोडर रेशियो इसलिए हम क्या करते हैं हमेशा जब भी हम ट्रांसफोर्ट सेक्शन बनाते हैं तो उस ट्रांसफोर्ट सेक्शन के अंदर उस ट्रांसफोर्ट सेक्शन के अंदर हमेशा क्या करेंगे जो आपके पास रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे आपके कंप्रेशन साइड में उसमें मोडलर रेशियो को ज्यादा रखते हैं जिससे क्या हो कि वो कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस को फुलफिल कर सके इसलिए क्या करेंगे हमेशा आपकी वैल्यू टेंशन स्टील से ज्यादा रखी जाएगी तो बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आज क्या हो रहा है काफी तेज हवा चल रही है बाहर तो थोड़ी सी दिक्कत है ओके तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा बफरिंग का इशू हो जाए तो उसको थोड़ा संभाल लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ऐसा आंसर में आपको तो सिक्सटीट का क्या रहेगा बी रहेगा कभी भी टेंशन स्टिल के बराबर नहीं रखते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्शन के अंदर ट्रांसपोर्ट सेक्शन के अंदर क्या करते हैं वन पॉइंट फाइव करते हैं आपको पता होगा वन पॉइंट फाइव क्या जाता है फॉर्मुले में पढ़ा होगा वन पॉइंट फाइव क्या जाता है ठीक है तो आंसर क्या रहेगा आंसर रहेगा आपके पास बी एंड बी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे फॉर ए कॉन्स्टेंट वॉटर सीमेंट रेशो एज एग्रीगेट सीमेंट रेशो इज रिड्यूस्ड बफरिंग हो रही है आपको अब अब सब क्लियर है एक दो क्वेश्चन बचे हुए फिर छुट्टी है आपकी ओके okay, नहीं बस ये क्वेश्चन मचा हुआ है फिर कोई बफरिंग नहीं अब सही चल रहा है मुझे तो आप सबके कमेंट दिख रहे हैं फॉर ए कॉन्स्टेंट वाटर सीमेंट रेशो एज एग्रीगेट सीमेंट रेशो इज रिड्यूस क्या है कि यदि मैं आपके पास अब ब्लॉकआउट हो गया सर अब हुआ है बफरिंग मेरा भी बफरिंग 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 ये YouTube पागल आ गया है कुछ नहीं है इसका बस चलिए अब ओके सब कोई बात नहीं आज थोड़ा तो सा इशू है इस इशू को ठीक कर लेंगे अब ठीक है चलो क्वेश्चन में आपसे बोला गया कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशो एंड द एग्रीगेट सीमेंट रेशो वैल्यू बढ़ती देखो क्या एग्रीगेट सीमेंट रेशो एग्रीगेट सीमेंट रेशो मेरे पास घटता है ठीक है घटता है दैट मीन्स मैंने सीमेंट ज्यादा यूज किया है ठीक है सीमेंट मैंने ज्यादा यूज किया है अब देखो क्या है कि यदि मेरे पास सीमेंट ज्यादा यूज किया है और एग्रीगेट कि चारों तरफ क्या है लुब्रिकेशन हो गया है सीमेंट का तो क्या होगा वर्केबिलिटी बढ़ेगी लेकिन क्या हो जाएगी स्ट्रेंथ घट जाएगी स्ट्रेंथ घट जाएगी इस, इस बात इसलिए ध्यान रखेंगे फॉर द कॉन्स्टेंट वॉटर सीमेंट रेशो इफ एग्रीगेट सीमेंट रेशो आपका बढ़ता है तो स्ट्रेंथ बढ़ती है ठीक है और यदि आपके पास क्या रहेगा एग्रीगेट सीमेंट रेशो में घटेगा तो आपके पास क्या रहेगी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी लेकिन स्ट्रेंथ कम आएगी ठीक है ये बात ध्यान रखें क्योंकि क्या होगा जितना सीमेंट को आप कम रखेंगे लुब्रिकेशन के लिए और एग्रीगेट को ऐसे ग्रेड करेंगे जिससे क्या हो कि कम सीमेंट में भी ज्यादा से ज्यादा आपके लुब्रिकेशन हो जाए तो क्या होती है स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है तो ये बात आप ध्यान रखेंगे तो इसलिए हम बात करते हैं कि एग्रीगेट बाय सीमेंट रेशो की वैल्यू क्या होगी घट जाने से ये क्या हो गया आज मारो यूट्यूब को जूते से सर कहां से मारे आप जूते में पैर में चोट लग गई है आप जूते से क्या मारे ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं एक क्वेश्चन बचा हुआ है बस और कुछ नहीं है आ पास में सभी को तो आंसर क्या है इसका आंसर रहेगा कि फॉर ए कॉन्स्टेंट वाटर सीमेंट रेशो एज एग्रीगेट सीमेंट रेशो रिड्यूस दर्कबिलिटीज इनक्रीजेस डी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है चलते नेक्स्ट पे इसे करिए नाम तो सुना होगा आपने पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन पूछ जाते हैं बच्चों से कई बार हाँ, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन ये बफरिंग क्यों हो रहा है पूछता है भारत अच्छा जी चलो बढ़िया है फिर आज मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो आपके पास पिगमेंट की आप बात करते हैं या पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन की बात करते हैं वो क्या होती है ठीक है अब देखो क्या होता है जब भी मैं आपके पास पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन की बात करूंगा तो हम क्या होते हैं जो मेरा वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट है वो क्या है और दूसरा वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट और इनटू वॉल्यूम ऑफ बाइंडर क्या है उनके रेशो को हम क्या बोलते हैं उनके रेशो को हम पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन बोल देते हैं अब देखो यहां पे जो पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन है उसका यूज कहां पे होता है देखो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं कि मेरे पास ये एक मान लो पेंट है इस पेंट में क्या है कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं और कुछ आपके पास बाइंडर है अब क्या है कि मान लो ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में यदि आपका गैप ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि आपका पिगमेंट जो वॉल्यूम कंसंट्रेशन है वो इसको सिग्नीफाइड करता है क्या करता है सिग्निफाइड करता है कि भाई इनके सोलड के बीच में गैप क्या है यदि गैप पास पास में आ गए हैं तो दैट इज कंसंट्रेशन बढ़िया हो गई है दूर दूर पार्टिकल्स ले गए तो कंसंट्रेशन खराब हो गई उसी को क्या बोलते हैं पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन बोल देते हैं तो क्या होता है पिगमेंट का कंसंट्रेशन क्या है और टोटल वॉल्यूम ऑफ नॉन वॉलिटाइल ऑफ़ प्लांट नहीं है पेंट है ये कुछ कुछ है ओके तो आंसर क्या रहेगा इस वाले क्वेश्चन का वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट टोटल वॉल्यूम ऑफ वोलेटाइल वाइकल कंस्टेंट ऑफ द पेंट तो आंसर क्या रहेगा तो ध्यान रखेंगे वाइकल की बात नहीं की जाएगी वाइकल की बात नहीं की जाएगी सिर्फ बात की कि जाएगी किसकी टोटल वोलेटाइल सब्सटेंस की कि टोटल जो वोलेटाइल सब्सटेंस है वो कितना है ठीक है दोनों एक जैसे लग रहे हैं दिखने में तो वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पेंट टोटल वॉल्यूम ऑफ नॉन वॉलेटाइल वाइकल कॉन्स्टेंट ठीक है टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉलेटाइल कॉन्स्टेंट आएगा सिर्फेंट ऑफ पेंट एंड दैट इज एंड एज कांसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है सिर्फ क्या रहेगा टोटल जो पिगमेंट है टोटल जो पिगमेंट है वो वहीकल की बात नहीं की जाएगी नॉन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है ए सी सेम है वैसे पर आंसर क्या रहेगा इसका ए रहेगा इसमें क्या लिखा हुआ है व्हीकल लिखा हुआ है व्हीकल नहीं होता है टोटल जो कॉन्सेंट है पेंट के अंदर बाइंडर्स वो क्या रहेगा उसको यूज किया जाता है नो यूज योर सेल्फ जाके सो ठीक है ठीक है ओके तो बात समय सभी को बात समय में आई नहीं आई बताओ आप सभी को बात समय में आई कि पिगमेंट कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है हाँ जीपीएससी का पेपर करवाएंगे सर अच्छा क्वेश्चन था उसमें भी ठीक है करवाएंगे उसको भी ओके तो आपकी जो क्लास है वो मैंने खत्म कर दी है और भैया कल से आपका रिस्पॉन्स सही रहना चाहिए यार आपका रिस्पॉन्स ऐसा रहेगा तो क्या रहेगा ठीक अभी ये बातें करने में लगे पड़े हैं और बताओ आप देखो जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट है यदि आपके कोई कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं आप फ्री हैं अपने डाउट पूछने के लिए क्लास के बीच में पूछते हैं ठीक है आपके जो डाउट है वो करवा दीजिए क्वेश्चन खत्म हो गए हैं इतना ही पेपर था सेवेंटी क्वेश्चन आए थे सेवेंटी क्वेश्चन में करवा चुका हूं ये आपका डल जाएगा पीडीएफ देख लेना इसको ठीक ओके बाय सर जी नो डाउट सर हाँ अब आप, आपके जो न्यू बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं ठीक है अभी आपके कुछ थर्टीन से बैच स्टार्ट हो रहे हैं कुछ आपका फिफ्टीन से हो रहा है और कुछ आपका ट्वेंटी से स्टार्ट हो रहा है जो बच्चे मेन्स करना चाहते हैं तो मेन्स का बैच भी अभी लॉन्च हो चुका है आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं एवर एग्जाम डॉट ओ आर जी पर जाके आप चेक कर सकते हैं फाउंडेशन बैच की जो प्राइस है वो बढ़ चुके हैं एक दिन में बढ़ जाएंगे तो आप उसको बढ़ कर सकते हैं उसकी वन ईयर की की गारंटी है ठीक है या वैलिडिटी बोल सकते हैं वैलिडिटी वन ईयर की है ठीक है पर ये बफरिंग मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी कुछ हो या ना हो पर बफरिंग 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 चलो कोई बात नहीं मिलते हैं फिर आपकी आज के पेपर है इलेवन को है सर सर जी का पेपर इलेवन को हाँ ठीक है मैं मुझे पता है आ, देखो जिनका पेपर अभी इलेवन को ही है उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा बस यही बोलना चाहूँगा ठीक है आपको सिर्फ क्या करना है जो आपका हिमाचल प्रदेश से हैं कुछ बच्चे आ, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आपको सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है और अपनी जो गलतियां हुए है उनको चेक करना अपने है जहां साथ ही अपनी शॉर्ट नोटिस्ट करिए और गलती को चेक करिए टोसी और टोसी मैक्स में डिफरेंस क्या होता है देखो एक होता है आपके पास टाओ एक, एक होता है टाओ वी एक होता है टाओ सी एक होता है टाउसी मैक्स ठीक है इस टाउसी से आपके पास क्या रहेंगे टेंशन और डायगनल फेलियर होते हैं टेंशन फेलियर होगा या फिर आपका डायगनल फेलियर होगा ठीक है लेकिन क्या होता है इससे ही आपके डायगनल कंप्रेशन फेलियर होते हैं ये आपका नॉमिनल शीयर स्ट्रेस है

और अच्छे से पढ़ाई करो कोई भी डाउट्स है कोई भी आपको क्वेरी है अपने करियर से लेके तो आप मुझे इंस्टा आई डी अवनीश शर्मा अवनीश नाम ही भूल गया अपना अवनीश शर्मा जीरो नाइन पे फॉलो कर सकते हैं ये मेरा इंस्टा आई डी है इस पर आप फॉलो कर सकते हैं ठीक है चलो मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय जय हिंद जय भारत